हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया एजुकेटर में। माय नेम इज रवि सिंह, और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन मॉडल। आज से हम लोग कम्युनिकेशन मॉडल की एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने कम्युनिकेशन की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी। उस वीडियो सीरीज में कम्युनिकेशन के सारे बेसिक्स पे बात की गई है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से काम करता है, कितने तरीके का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन मॉडल को और अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो सीरीज में जितने भी लेक्चर हैं आप एक बार उनको देख लीजिए, जिससे आपको कम्युनिकेशन मॉडल को समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं लीनियर मॉडल, एक होते हैं इंटरैक्टिव मॉडल, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है ट्रांसैक्शनल मॉडल। तो जो लीनियर मॉडल होते हैं वो एक सीधी लाइन में चलते हैं, ठीक है। सेंडर होगा, मैसेज होगा और रिसीवर होगा। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सीधी लाइन में होता है, इसलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। वहीं इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल में क्या है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि सेंडर मैसेज को रिसीवर के पास भेजेगा और रिसीवर फीडबैक के जरिए सेंडर को कम्युनिकेट करेगा। तो ये क्या हो गया, ये टू वे कम्युनिकेशन है। तो वन वे कम्युनिकेशन में ये चीज मिसिंग थी। तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या है कि अगर रिसीवर को कोई मैसेज अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है तो वो फीडबैक के जरिए सेंडर तक पहुंचा देता है। तो ऐसे ही ये कम्युनिकेशन हो जाता है टू वे, ठीक है। इसको सर्कुलर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। सेंडर से स्टार्ट हुआ, रिसीवर तक पहुंचा और रिसीवर से स्टार्ट होके वो सेंडर तक आ गया, तो ये क्या बन गया, एक सर्कुलर। तो टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, एक तरीके से सर्कुलर होता है। इंटरैक्टिव मॉडल का क्या मतलब है कि जो मॉडल है वो सर्कुलर है। लीनियर मॉडल में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो एक सीधी लाइन में चलता, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल में अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लीनियर मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटरैक्टिव मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड हम लोग करेंगे ट्रांसैक्शनल मॉडल के बारे में, ठीक है, जो नेचर में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो पहला है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में पहला मॉडल है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, अरस्तु। अरस्तु ने कम्युनिकेशन मॉडल में पांच एलिमेंट की बात की है। पहला है स्पीकर, दूसरा है स्पीच जिसको हम मैसेज भी कह सकते हैं, थर्ड है ओकेजन, फोर्थ है ऑडियंस, और फिफ्थ है आपका ऑडियंस पे पड़ने वाला इफेक्ट। तो कम्युनिकेशन में तो अरस्तु ने कितने एलिमेंट की बात की है, पांच एलिमेंट की बात। वो पांच एलिमेंट कौन कौन से हैं, स्पीकर है, स्पीच है, ओकेजन है, ऑडियंस है और इफेक्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरस्तु ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में कितने एलिमेंट दिए थे और कौन कौन से एलिमेंट की बात की, ठीक है। तो ये मॉडल उन्होंने कब दिया था, 300 BC के आसपास, ठीक है। और अरस्तु कौन थे, एक ग्रीक फिलोसोफर, और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अलेक्जेंडर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अरस्तु ही थे उसके टीचर, ठीक है। तो एरिस्टोटल के कम्युनिकेशन मॉडल में कितने एलिमेंट हैं, पांच एलिमेंट, ठीक है। एरिस्टोटल कौन थे, एक ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने ये अपना थ्योरी कब दिया था, 300 BC के आसपास, ठीक है। और कौन थे एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर, और इनको क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस का फादर, ठीक। अभी बताया था कि कितने एलिमेंट दिए थे, पांच एलिमेंट, ठीक है। दिस मॉडल इज मोर फोकस्ड ऑन पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कोई स्पीकर है, उसको हम सेंडर भी बोल सकते हैं और स्पीच को हम मैसेज, ठीक है। कोई नेता है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो वो लोगों को भाषण देने के लिए
अलग अलग जगह पर जाता है, ठीक है। तो ओकेजन क्या हो गया आपका? इलेक्शन। ऑडियंस क्या हो गई आपकी? जो वोट करने वाले हैं, वोटर्स, ठीक है। स्पीच और भाषण वो लेके ही आएगा, ठीक है। और स्पीकर कौन है हमारा? नेता, या सेंडर कौन है? नेता। तो अरस्तू ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में ये बताया है कि एक सेंडर को पब्लिक स्पीकिंग करते समय कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे नेता है तो नेता को पता होना चाहिए कि क्या ओकेजन है, ठीक है। नेता को अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, ओकेजन के बारे में पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से अपना मैसेज प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे यही नेता है कि इलेक्शन में जब भाषण देगा वो, तो उसका जो मैसेज है वो अलग तरीके का होगा, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस अलग है। वहीं अगर वो नेता किसी बच्चों के प्रोग्राम में जाता है तो वहां का जो वो भाषण होगा वो एक अलग तरीके का होगा, क्योंकि ऑडियंस अलग है। अगर वो महिलाओं के किसी प्रोग्राम में जाता है तो उसका भाषण अलग होगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस अलग है। तो समझ में आ रहा है कि आपको जो मैसेज प्रिपेयर करना है वो ऑडियंस के हिसाब से करना है। ऐसे ही ओकेजन है कि अगर ओकेजन इलेक्शन का है, इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके भाषण में अलग तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। अगर वो किसी फेस्टिवल पे भाषण दे रहा है, ओकेजन आपका अलग हो गया, ठीक है। न्यू ईयर है तो ओकेजन आपका अलग हो गया। 2 अक्टूबर है यानी गांधी जयंती है, ओकेजन आपका अलग हो गया। 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, ओकेजन अलग हो गया। 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, ओकेजन अलग हो गया। तो स्पीकर को या नेता को हमेशा अपने ओकेजन के हिसाब से मैसेज प्रिपेयर करना चाहिए, अपनी ऑडियंस के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। जब ये दोनों चीजें कर लेगा, जब ये दोनों चीजें कर लेगा ओकेजन के हिसाब से और ऑडियंस के हिसाब से, तो जो उसका इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप अपना मैसेज प्रिपेयर करके लेके आए हो ओकेजन के हिसाब से और अपने लोगों के हिसाब से। आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा और लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव ज्यादा होगा, ठीक। तो एरिस्टोटल का मॉडल यही कह रहा है कि पब्लिक स्पीकिंग करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कि आपको अपने ऑडियंस को एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। आप अपना जो मैसेज है या स्पीच है वो पहले से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जब जब भी आप कम्युनिकेट करोगे अपने मैसेज के थ्रू लोगों से, उससे ऑडियंस क्या है, आपकी इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। आपको मैसेज प्रिपेयर करना है उस तरीके से कि आप जिनको एड्रेस करने जा रहे हो वो आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो और पर्सुएड। एरिस्टोटल एडवाइसेस स्पीकर टू बिल्ड स्पीच फॉर डिफरेंट ऑडियंस। वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस होती है, तो उसके हिसाब से अपना जो मैसेज है वो प्रिपेयर करना चाहिए। एरिस्टोटल के इस मॉडल में फीडबैक और नॉइज की बात नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए ये जो मॉडल है लीनियर मॉडल, कैसा है? लीनियर, जो सीधी लाइन में चलता है। अगर फीडबैक की बात होती तो ये क्या हो जाता? सर्कुलर, कि जो सेंडर है रिसीवर को मैसेज भेजता और रिसीवर अपना फीडबैक सेंडर के पास भेजता, तो ये क्या हो जाता? सर्कुलर। लेकिन जो एरिस्टोटल का मॉडल है वो क्या है? लीनियर मॉडल। इसमें फीडबैक की बात नहीं हुई है और नॉइज की बात नहीं है। इसके साथ ही एरिस्टोटल ने 3 एलिमेंट के बारे में बताया जिससे कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव हो सकता है। अगर आपको अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है तो आपको इन 3 एलिमेंट्स का यूज करना चाहिए। तो पहला एलिमेंट है इथोस। इथोस में क्या है कि जो क्रेडिबिलिटी है स्पीकर की वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी वो लोगों को उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। लोगों का जिसके ऊपर ज्यादा बिलीव होगा उससे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच बनी हुई है, एक बिलीव बना हुआ है,
तो जो भी आप मैसेज कन्वे करोगे ऑडियंस को, उससे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, वो आपकी बात को मानेंगे। क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी? क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में नेता की किस तरीके से बनती है, कि वो एक अच्छा काम करे, नई अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाए, लोगों के लिए काम करे, रोड है, सड़कें हैं वो बनवाए, एजुकेशन को लेकर काम करे, हेल्थ को लेकर काम करे, तो उससे उस नेता की क्या है, क्रेडिबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी उतना ही वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में बनानी है, कि जिससे लोग आपके ऊपर विश्वास कर पाए। ठीक है, सेकंड है पैथोस। पैथोस में क्या है कि जब भी स्पीकर अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करता है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट इमोशन का यूज करना चाहिए। ठीक है, जहां उसको प्यार से बात करनी है वहां उसकी टोन अलग होनी चाहिए, जहां गुस्से से बात करनी है वहां उसकी टोन अलग होनी चाहिए, जहां खुशी की बात है वहां उसकी टोन अलग होनी चाहिए। तो जिससे क्या है, जो ऑडियंस है अपने स्पीकर से ज्यादा कनेक्ट हो पाती है। थर्ड है लोगोज। लोगोज में क्या है कि जो भी आप मैसेज कन्वे कर रहे हो वो एक लॉजिकल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन करते टाइम आपकी ऑडियंस कोई भी है, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन करते टाइम आप कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी इलॉजिकल। ठीक है, जो चीजें उन लोगों के लिए मैटर ही नहीं करती हैं आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं तो आपकी बातों में लॉजिक होना चाहिए, जिससे लोग ज्यादा कनेक्ट होंगे। अगर आप फेक इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, उन बात जो बातें कर रहे हैं उन बातों में अगर कोई लॉजिक नहीं है, तो जो आपकी ऑडियंस है या जो लोग हैं वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाएगा। तो एरिस्टोटल ने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इन तीन एलिमेंट्स की बात की है, जिसमें एथोस है। एथोस में ये है कि जो सेंडर है या जो स्पीकर है उसको तो अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करना चाहिए, कि जितनी क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में उसकी होगी उसके मैसेज से उतने ही ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है, पैथोस में है कि वो अपने मैसेज में जितने ज्यादा इमोशंस का यूज करेगा एक सर्टेन लेवल तक, तो उसका मैसेज उतना ही ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, उसके मैसेज से लोग उतना ही ज्यादा कनेक्ट महसूस करेंगे। तीसरा क्या है, लोग उसके अपने मैसेज में वो जितना लॉजिकल रह सकता है उसको उतना लॉजिकल रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने मैसेज में इलॉजिकल बातें करेगा, फेक इंफॉर्मेशन लोगों को बताएगा, तो लोगों के बीच में उसकी क्रेडिबिलिटी भी कम होगी और लोग उससे कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो लॉसवेल थे वो एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, साथ ही एक कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट, और येल यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर वो काम करते थे। ठीक है, उन्होंने ये अपना मॉडल दिया था 1948 में। तो आप लोग याद रखिएगा कि लॉसवेल कौन थे, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे, और येल यूनिवर्सिटी में क्या थे, प्रोफेसर। ठीक है, और इन्होंने अपना मॉडल कब प्रपोज किया था, 1948 में। किसी भी कम्युनिकेशन मॉडल का आप ईयर थोड़ा सा जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि चार मॉडल आपको दे रखे हैं, उसमें आपको सही सीक्वेंस चेक करना होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो अगर आप लोगों को हर कम्युनिकेशन मॉडल का ईयर याद रहेगा तो आप इजिली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ईयर याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल कब आया था। लॉसवेल मॉडल कब आया है, 1948 में। लॉसवेल ने अपने मॉडल में पांच एलिमेंट की बात की है, और इन पांच एलिमेंट को लॉसवेल ने एक क्वेश्चन फॉर्म में रखा है, जैसे हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू हूम, विद व्हाट इफेक्ट। आप एक एक एलिमेंट को देखेंगे तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है, हु कौन है, सेज उसने क्या कहा, इन विच चैनल,
किस चैनल के माध्यम से, टू होम, किसको, विद व्हाट इफेक्ट, इफेक्ट क्या हुआ। तो लॉसवेल ने अपने जो एलिमेंट रखे हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में रखे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल है जिसमें जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट हैं या कंपोनेंट हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में पूछे गए हैं या क्वेश्चन फॉर्म में प्रपोज किए गए हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा है लॉसवेल का मॉडल है। अब उसे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसकी बात हो रही है, या तो कम्युनिकेटर की बात हो रही है, सेंडर की बात हो रही है, या सोर्स की बात हो रही है। उस मैसेज का सेंडर कौन है, या वो जो मैसेज है उसका सोर्स क्या है, हु में हम उसकी बात करेंगे। अगर कम्युनिकेटर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेजेबल है, तो वो क्या है, वो अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर लेगा। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, जो जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो वो लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट है तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत नॉलेज होती है, तो वो अपने कंटेंट के बेसिस पे और कम्युनिकेशन स्किल के बेसिस पे वो लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। एक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, या पॉलिटिशियन है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, जिससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड है सेज वॉट, जो कम्युनिकेटर है वो अपने मैसेज में क्या कहना चाह रहा है, जो कम्युनिकेटर है वो अपने मैसेज में क्या कहना चाह रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे मूवी है, हर फ्राइडे को बहुत सारी मूवी रिलीज होती हैं, ठीक है, तो उसमें से कुछ मूवी चलती हैं, कुछ मूवी नहीं चलती हैं, कुछ अच्छा बिजनेस करती हैं, कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। इट मीन्स क्या है, अगर आपका मैसेज बहुत अच्छा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो लोग उसको पसंद करेंगे, लोग उसको देखेंगे। ठीक है, ऐसे टेलीविजन प्रोग्राम है कि बहुत सारे सीरियल हैं जो एक महीने चलते हैं, दो महीने चलते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं, और कुछ सीरियल हैं जो 10 साल 20 साल 15 साल तक वो चलते रहते हैं। जैसे सीआईडी है, वो 10 15 सालों तक चला है, क्यों, अपने कंटेंट की वजह से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, वो अभी भी चल रहा है, क्यों चल रहा है, अपने कंटेंट की वजह से। तो अगर आपका मैसेज सही है, आपका कंटेंट सही है, वो आप अपने कंटेंट में या मैसेज में क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो वो लोगों को पसंद आएगा ही। ठीक है, तो इसमें इस चीज का याद रखना है कि जो कम्युनिकेटर है वो अपने मैसेज में क्या कहना चाह रहा है, और अपने मैसेज में किस तरीके की क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच चैनल, यानी जो कम्युनिकेटर है अपने मैसेज को इस मीडियम के थ्रू या माध्यम के थ्रू वो अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एज ए कम्युनिकेटर आपने बहुत ज्यादा स्किल है, अपने मैसेज भी बहुत क्वालिटी का प्रोड्यूस किया है, लेकिन अगर आपने मीडियम सही नहीं चुना है, तो आपका जो मैसेज का इफेक्ट है वो वीक हो जाएगा। जैसे अगर आपको यूथ को टारगेट करना है, ठीक है, लेकिन अगर आपने मीडियम आपने चूज किया है रेडियो, इट मींस आपने मीडियम सही चूज नहीं किया है, क्योंकि रेडियो जो यूथ है वो रेडियो तो सुन ही नहीं रहा है या बहुत कम सुन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा मीडियम चूज करना चाहिए जहां यूथ सबसे ज्यादा मिलेगा। तो यूथ अभी सबसे ज्यादा कहां अवेलेबल है, इंटरनेट पर या सोशल मीडिया। ऐसे ही अगर कोई अनएजुकेटेड कोई पर्सन है, सपोज आपको जो अनएजुकेटेड है या जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों को कोई मैसेज देना है, और आपने मीडियम चूज किया है न्यूज़पेपर, आपका जो कम्युनिकेशन है वो तो इफेक्टिव रहेगा ही नहीं ना। ठीक है, आप उस ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि वो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते, लेकिन आपने मीडियम क्या चूज कर लिया है, न्यूज़पेपर। तो सिचुएशन में कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा सही रहेगा, वो या तो रेडियो हो सकता है या टीवी हो सकता है। ऐसे ही अगर सपोज जो ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई है या उनके लिए कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, और आपने मीडियम चूज कर लिया है टीवी, यानी वो इंसान पहले से ही नहीं देख सकते हैं, और आपने एज ए मीडियम अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए क्या चूज किया है, टेलीविजन, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या हो सकता है,
रेडियो न्यूज़पेपर भी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, रेडियो। तो हमेशा कम्युनिकेटर को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए सही मीडियम का चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, यानी आपका रिसीवर कौन है, आपका ऑडियंस कौन सी है, इस चीज का ध्यान भी कम्युनिकेटर को देना बहुत जरूरी है। सपोज आप स्टूडेंट के लिए कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, तो आप इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा जो स्टूडेंट है वो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटीज के हैं या पीएचडी स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी ऑडियंस जो है वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, अर्बन है या रूरल है, ठीक है, किस लैंग्वेज को बोलती है, किस लैंग्वेज को वो समझती है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा मैसेज प्रिपेयर करते टाइम। नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट, यानी जो कम्युनिकेटर है जो मैसेज किसी चैनल के थ्रू ऑडियंस तक या रिसीवर तक भेजता है, तो उस मैसेज का ऑडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। अगर कोई कहता है कि मैसेज का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव आपके ऊपर जरूर पड़ता है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा पूरा, कि जो लॉसवेल का जो मॉडल है उसमें 5 एलिमेंट हैं, ठीक है, और जितने भी एलिमेंट हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन का अपना अपना एक मीनिंग है, कि जैसे हु है तो कम्युनिकेटर या सेंडर या सोर्स की बात करता है, सेज व्हाट मैसेज या कंटेंट की बात करता है, इन विच चैनल मीडियम की बात करता है, तो हु रिसीवर और ऑडियंस की बात करता है, विद व्हाट इफेक्ट बात करता है, ऑडियंस पर पड़ने वाले इफेक्ट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, 5W मॉडल भी बोलते हैं। इसके साथ ही इसको पॉलिटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। लॉसवेल के कम्युनिकेशन मॉडल में 5 एलिमेंट, ठीक है, और हर एलिमेंट क्वेश्चन फॉर्म में है। तो लॉसवेल ने हर क्वेश्चन से एक फील्ड ऑफ इंक्वायरी या फील्ड ऑफ रिसर्च असाइन किया। जैसे हु में क्या होता है, कम्युनिकेटर है, हम सेंडर की बात कर रहे हैं और सोर्स की बात कर रहे हैं, यानी सेंडर और सोर्स के बेसिस पे भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। जैसे दुनिया में बहुत सारे कम्युनिकेटर हुए हैं, हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये वो कम्युनिकेटर हैं कि जब ये कुछ भी कम्युनिकेट करते थे लोगों से तो लोग इनसे आके जुड़ते थे, इनको सुनते थे, इनकी कही गई बातों को मानते थे, फॉलो करते थे। तो ऐसी क्या क्वालिटीज हैं उस कम्युनिकेटर में जिसकी वजह से वो इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, उनको सुनने के लिए लोग हजारों किलोमीटर से चल के आ रहे हैं। तो लॉसवेल का हुज एलिमेंट पर हम कौन सा एनालिसिस कर सकते हैं, कंट्रोल या सोर्स एनालिसिस। ऐसे ही सेज व्हाट क्या है, यानी हम मैसेज की बात कर रहे हैं, कंटेंट की बात कर रहे हैं, यानी हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में आप बहुत तरीके से कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो, कि आप ये चेक कर सकते हो साइंस से रिलेटेड न्यूज है उनको कितना कवरेज दिया जा रहा है, या टेक से रिलेटेड जो न्यूज है उनको कितना स्पेस दिया जा रहा है, या एजुकेशन से रिलेटेड जो न्यूज है उनको कितना स्पेस दिया जा रहा है, और उस कॉन्टेंट में मैसेज को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है, कि वो आर्टिकल के फॉर्म में है, ठीक है, या न्यूज के फॉर्म में है, या एडिटोरियल के फॉर्म में है, उस कंटेंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है। ऐसे टेलीविजन है, टेलीविजन में आप चेक कर सकते हो कि कौन से सोशल इश्यूज को जो टेलीविजन न्यूज मीडिया है वो किस तरीके से कवर करता है, वीमेन के इशू को किस तरीके से रेज करता है, वो महंगाई के इशू को किस तरीके से रेज करता है, वो अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से रेज करता है, या वो रिलीजन को किस तरीके से रेज करता है, या वो कास्ट के इशू को किस तरीके से रेज करता है। तो ये आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं आप इस चीज का। सपोज वो वीमेन इशू को लेकर कुछ कंटेंट दिखा रहे हैं, तो उस कंटेंट में किस तरीके की चीजें उन लोगों ने रखी हैं, सपोज कास्ट से रिलेटेड कोई कंटेंट
वो लोग दिखा रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट उन लोगों ने रखे हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें वो दिखा रहे हैं, या रिलीजन को लेकर अगर वो कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस रिलीजन में वो किस तरीके से चीजों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। जैसे मूवीज है, मूवीज में आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो, तो उसकी स्टोरी को लेके, उसके म्यूजिक को लेके, उसके कैरेक्टराइजेशन को लेके, इस बहुत सारी स्टडीज हो सकती हैं। लॉसवेल ने अगला कहा है कि इन विच चैनल, यानी वो मीडियम की बात कर रहा है, तो आप मीडियम के बेसिस पे भी मीडिया एनालिसिस कर सकते हैं। जो मीडियम है उस मीडियम में भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि अगर कोई मीडियम इतना सक्सेसफुल रहा है, जैसे टेलीविजन स्टार्ट हुआ था तब उसको बोला जाता था कि ये इडियट बॉक्स है, लेकिन अभी टेलीविजन आप देख लीजिए किस तरीके से बूम कर रहा है। ऐसे रेडियो था कि जब टेलीविजन आया था तो लोगों को लगा था कि रेडियो बंद हो जाएगा, लेकिन आज भी वो सर्वाइव कर रहा है। जैसे जब टेलीविजन आया था तो ये कहा गया था कि न्यूज़पेपर बंद हो जाएंगे, न्यूज़पेपर की कोई लाइफ नहीं रहेगी, लेकिन आज भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे अभी इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया है, तो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि टेलीविजन का कोई फ्यूचर नहीं है, रेडियो का कोई फ्यूचर नहीं है, या न्यूज पेपर का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स आते हैं जब एक कोई नया मीडियम आता है या नई कोई टेक्नोलॉजी आती है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत सफर करना पड़ता है जो हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी है या मीडियम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंद हो जाएंगे। हाँ, कुछ अपडेट करेंगे टाइम टू टाइम, तो आप ये एनालिसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉसवेल ने क्या कहा है, टू होम, जिसमें आप वो ऑडियंस या रिसीवर की बात कर रहे हैं, तो आप ऑडियंस एनालिसिस भी कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग कंपनियां हैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले बहुत सारे ऑडियंस रिसर्च करती हैं कि उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या नीड है, ठीक है, तो वो ऑडियंस रिसर्च करती है, उसके बाद प्रोडक्ट प्रिपेयर करती है, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। तो ऑडियंस रिसर्च भी बहुत जरूरी है आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे गवर्नमेंट भी यही करती है, अगर कोई वो पॉलिसी लेके आ रही है तो वो पहले एक किसी गांव में करेगी या किसी छोटी सी जगह पे उसको इम्प्लीमेंट करके देखती है, अगर वहां से कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है तो उसमें वो पॉलिसी में कुछ चेंजेस करते हैं, फिर उसके बाद वो पूरे कंट्री में अप्लाई करते हैं। जैसे मनरेगा है या मिड डे मील है, तो ये पहले छोटी छोटी जगहों पे पायलट स्टडी की गई थी, ठीक है, जब वहां से उनको पता चला कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, तो उन्होंने इम्प्रूव किया, ठीक है, उसमें जो भी थोड़े बहुत चेंजेस करने थे उन्होंने चेंज किए, फिर उसको पूरी कंट्री में अप्लाई किया। तो ऑडियंस रिसर्च किस लिए जरूरी है, जिससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव रहे। नेक्स्ट है विद वॉट इफेक्ट, विद वॉट इफेक्ट में कि ऑडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें भी आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे ऑडियंस क्या है, अभी जो टेलीविजन न्यूज जो भी दिखा रहा है उसका यूथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, फीमेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या जो ओल्ड एज है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या अनएजुकेटेड है या एजुकेटेड है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सब देख के तो आप वो स्टडी कर सकते हो। इफेक्ट आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि आप मैसेज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और सोर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोई बहुत अच्छा बोलना जानता है, ठीक है, तो लोगों के ऊपर अलग तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, या बहुत कम्युनिकेशन स्किल खराब है तो लोगों पर इफेक्ट कुछ अलग तरीके का पड़ेगा। जैसे अगर वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। किस मीडिया को वो ज्यादा एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उस मीडिया का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में इंटरनेट लोग बहुत चला रहे हैं, उनका जो स्क्रीन टाइम है वो किसी का 4 घंटे, किसी का 5 घंटे, किसी का 10 घंटे है, उस टेक्नोलॉजी का, उस मीडियम का या उस मीडिया का लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं जिसमें इंटरनेट का इफेक्ट अलग अलग सेगमेंट में लोग स्टडी कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बड़ों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टीचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक स्कूल स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट है, कॉलेज स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट है, तो बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। लॉसवेल के इन्हीं एलिमेंट की वजह से जो कम्युनिकेशन रिसर्च है, कम्युनिकेशन रिसर्च का जो फील्ड है वो बहुत डेवलप हुआ है, ठीक है, एक नई डायरेक्शन मिली कि किस तरीके से कम्युनिकेशन में हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेस को लेके कर सकते हैं, कम्युनिकेटर को लेके भी कोई रिसर्च हो सकता है, मैसेज को लेके भी कोई रिसर्च हो सकता है, मीडियम को लेके भी कोई रिसर्च हो सकता है, ऑडियंस को लेके भी कोई रिसर्च हो सकता है, इवन इफेक्ट को लेके भी कोई रिसर्च हो सकता है। तो लॉसवेल ने अपने
हर एक एलिमेंट में एक रिसर्च एनालिसिस का टाइप बताने की कोशिश की। इसके साथ ही लॉसवेल के कम्युनिकेशन मॉडल में कुछ कमियां भी हैं, जैसे इस कम्युनिकेशन मॉडल में फीडबैक की कोई बात नहीं हुई है, नॉइज की कोई बात नहीं हुई है, और ये क्या है, एक लीनियर मॉडल। ठीक है, लीनियर मॉडल क्या होता है, एक सीधी लाइन में जो चलता है उसको लीनियर मॉडल बोलते हैं, क्योंकि इसमें फीडबैक इन्वॉल्व नहीं होता। ब्रैड डॉक ने अपनी तरफ से कोई मॉडल प्रपोज नहीं किया था, उन्होंने 1958 में जो लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसी मॉडल को थोड़ा सा इम्प्रूव करके उसमें दो नए एलिमेंट और ऐड किए थे। यानी ब्रैड डॉक का अपना कोई कम्युनिकेशन मॉडल नहीं है, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, लॉसवेल का जो मॉडल है उसी मॉडल में उन्होंने दो नए एलिमेंट और ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से लॉसवेल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो थोड़ा और इफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो वो कौन कौन से दो एलिमेंट थे, तो पहला है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, ठीक है, सेकंड है आपका फॉर व्हाट पर्पस। इन दो एलिमेंट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा लॉसवेल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉसवेल ने क्या किया था, अपने कम्युनिकेशन मॉडल में टोटल पांच एलिमेंट दिए थे जो क्वेश्चन फॉर्म में दिए हैं, जैसे हु है जो कम्युनिकेटर की बात करता है, सेज व्हाट है जो मैसेज की बात करता है, ठीक है, इन विच चैनल जो मीडियम की बात करता है, टू हूम जो रिसीवर और ऑडियंस की बात करता है, विद व्हाट इफेक्ट, ठीक है, जो ऑडियंस पे पड़ने वाले इफेक्ट की बात करता है। यानी जो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे की एलिमेंट कौन सा है आपका, यानी कम्युनिकेटर, इसको सेंडर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सोर्स भी बोल सकते हैं, यानी यहां से कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे मेन एलिमेंट आपका कौन सा हुआ, हु। कम्युनिकेटर जितना अच्छा होगा, कम्युनिकेटर जितना स्किलफुल होगा, कम्युनिकेशन उतना ही इफेक्टिव रहेगा। सेज व्हाट, यानी कम्युनिकेटर जो मैसेज सेंड कर रहा है या जो अपनी ऑडियंस को या रिसीवर को वो जो मैसेज भेज रहा है, वो मैसेज कितना स्ट्रांग है, उस मैसेज में क्या क्वालिटीज है, जितना क्वालिटी कंटेंट होगा, जितना क्वालिटी मैसेज होगा, वो रिसीवर को उतना ही अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है इन विच चैनल, यानी कम्युनिकेटर ने अपने जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचाने के लिए किस मीडियम का चूज किया है, टेलीविजन का चूज किया है या इंटरनेट का किया है, रेडियो का किया है, न्यूज़पेपर का किया है, कि इसमें से कौन सा चैनल उसने अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उसने चूज किया है। ठीक है, टू हूम, यानी कम्युनिकेटर ने जो मैसेज भेजा है वो किस ऑडियंस को भेजा है, यानी उनका रिसीवर कौन है। ठीक है, जब आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हो तो उस मैसेज का ऑडियंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपने सारी चीजें अच्छे से फॉलो की है तो आपका जो इफेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, या जो आप इफेक्ट डालना चाह रहे हैं या जिस तरीके से आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं उसी तरीके से ऑडियंस पर इफेक्ट होगा। इसी एलिमेंट के बीच ब्रैड डॉक ने क्या किया, दो एलिमेंट और जोड़ दिए। तो ब्रैड डॉक ने लॉसवेल के मॉडल में पहला एलिमेंट जो ऐड किया था वो था अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, यानी जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो वो किन परिस्थितियों में कर रहे हो। अगर कम्युनिकेशन करते टाइम परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, कंडीशन आपके अनुकूल हैं, के फेवर में काम कर रही हैं, तो जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे उसके इफेक्टिव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, तो कम्युनिकेशन फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कोरोना खत्म होने के बाद बहुत सारी मूवी रिलीज की गई थिएटर्स में, लेकिन किसी भी मूवी ने बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि परिस्थितियां उस समय उतनी अच्छी नहीं थी कि लोग अपना पैसा खर्च करके थिएटर में मूवी देखने के लिए जाएं, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हुई। उन परिस्थितियों में अगर आप थिएटर में मूवी रिलीज करोगे जिस समय लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, वो अपनी सेविंग को बचा रहे हैं या जो सेविंग उन्होंने बचा के रखी हुई थी वो पूरी तरीके से खर्च हो रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में कोई मूवी चल ही नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि सारी मूवीज का कंटेंट बहुत खराब था, लेकिन परिस्थितियां उस समय थिएटर और फिल्मों के अनुकूल नहीं था। इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं कि सपोज आपको पापा से घर पर कोई बात करनी है, लेकिन आपको लग रहा है कि आज उनका मूड ठीक नहीं है, उस पीरियड में आप क्या करोगे, जो आप अपनी
बात रखना चाहते हो या जो अपनी बात कहना चाहते हो, शायद उस दिन वो आप अवॉइड करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि परिस्थितियां जो हैं अनुकूल नहीं है, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, उस समय आप वो चीज उनको कहोगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ पापा का मूड ठीक है, अभी मैं आप उनसे बात कर सकता हूँ, उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, अपनी जो बात है वो उनको बता सकता हूँ, तो आप क्या करते हो उनसे कम्युनिकेट करते हो। तो वैसे ही है कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हो उस समय ये भी देखना बहुत जरूरी है कि परिस्थितियां कैसी हैं आपके आसपास की, ठीक है, या जिन लोगों से आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो अपनी ऑडियंस से, उनका मूड कैसा है, उनकी परिस्थितियां कैसी हैं। तो कम्युनिकेशन करते टाइम आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप किन परिस्थितियों में कम्युनिकेट कर रहे हो। ब्रैड डॉक ने जो सेकंड एलिमेंट लॉसवेल के मॉडल में ऐड किया था वो है फॉर व्हाट पर्पस। इसको एरिस्टोटल के ओकेजन से भी समझ सकते हैं। जैसे एरिस्टोटल के मॉडल में हम लोगों ने क्या बताया था कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उस कम्युनिकेशन को करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, ओकेजन क्या है, ठीक है। वैसे ही ब्रैड डॉक ने लॉसवेल के मॉडल में क्या एलिमेंट ऐड किया है, फॉर व्हाट पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है कम्युनिकेशन करने का। कि अगर आपका पर्पस सही होगा, वो आपकी ऑडियंस तक वो पहुंच पाएगा, तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस को कहीं भी लगता है कि आपका जो पर्पस है वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए है, उन लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आपकी जो ऑडियंस है, जो आपका जो रिसीवर है, वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। जैसे सेल्समैन है, जब सेल्समैन लोगों से बात करता है तो लोगों को ये पता है कि ये सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आया है या उसको बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस तरीके से रिएक्ट करते हो। वहीं अगर कहीं बाढ़ आती है या कोरोना जैसी सिचुएशन हो जाती है या कहीं भूकंप आ जाता है, तो अगर वहाँ बहुत ज्यादा लॉस हुआ है तो सरकार हो गई, प्राइवेट एंटिटी हो गई, कुछ एनजीओज हो गए, तो क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं लोगों के लिए कि उन लोगों की हेल्प हो सके। आपको यहाँ क्या दिखाई देता है लोगों को, जो पर्पज है वो किसी कॉज के लिए हो रहा है, तो आप क्या करते हो उसमें पार्टिसिपेट करते हो, अपने हिसाब से उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो पर्पस क्लियर नजर आ रहा है कि कोई नेगेटिव पर्पस नहीं है, ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम पे जो सोनू सूद है, तो उन्होंने जो कम्युनिकेट किया लोगों से, जो या उन्होंने जो हेल्प की लोगों की, उससे लोग उनसे जुड़े क्योंकि लोगों को उनका पर्पस सही लग रहा था, ठीक है। तो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या पर्पस है उस कम्युनिकेशन करने का, क्यों आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो अपनी ऑडियंस को समझाना बहुत जरूरी है। तभी आप अपनी ऑडियंस से या जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनसे कनेक्ट हो पाओगे और जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो पाएगा। तो ब्रैड डॉक ने यही दो एलिमेंट लॉसवेल के कम्युनिकेशन मॉडल में ऐड किए थे। तो ब्रैड डॉक ने अलग से अपना कोई कम्युनिकेशन मॉडल नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ लॉसवेल के जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसी में ये दो एलिमेंट ऐड किए थे, जिससे लॉसवेल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है और इफेक्टिव हो गया। शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं, साथ ही इसको इंफॉर्मेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए कि शैनन वीवर मॉडल को मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं और इंफॉर्मेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो शैनन वीवर थे, दोनों ही मैथमेटिशियन थे और उन्होंने ये अपना कम्युनिकेशन मॉडल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डेवलप किया था। कहाँ? बेल टेलीफोन लेबोरेटरी, क्योंकि दोनों वही काम करते थे। क्लाउड शैनन ने 1948 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस रिसर्च पेपर में शैनन ने इस कम्युनिकेशन मॉडल की बात की थी। एक साल बाद शैनन और वीवर मिलकर एक बुक लिखते हैं, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें डिटेल में इस कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इनिशियली 1948 में शैनन वीवर ने एक मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन नाम से एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें इस मॉडल की उन्होंने बात की, ठीक है। फिर बाद में 1949 में वीवर के साथ मिलकर एक बुक लिखी, द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें उस मॉडल के बारे में डिस्कस किया गया। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट हैं?
कि सैनन वीवर के मॉडल को और किस नाम से जानते हैं? मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. और किस नाम से जानते हैं? इंफॉर्मेशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. सैनन एंड वीवर कौन थे? मैथमेटिशियन थे. इन्होंने अपना ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है किस पीरियड में डेवलप किया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड में. कहाँ काम करते थे दोनों लोग? बेल टेलीफोन लेबोरेटरी. सबसे पहले कब पब्लिश किया था? 1948 में. किस पेपर में पब्लिश किया था? अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. शैनन और वीवर ने मिलकर कौन सी बुक लिखी है? द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. कब लिखी थी? 1949 में. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं एग्जाम पर्पज से, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बना के दे सकता है. तो आपको ये कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने हैं. ठीक है, शैनन वीवर ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में फीडबैक को डिस्कस नहीं किया है. ये एलिमेंट बाद में नॉबर्ट वीनर ने ऐड किया था. तो शैनन वीवर के इस कम्युनिकेशन मॉडल को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है, वो आपको फोन करता है और आप उस फोन को रिसीव करते हो. इसी एग्जांपल से हम शैनन वीवर के कम्युनिकेशन मॉडल को समझेंगे. जैसे आपका जो दोस्त है उसने आपको फोन किया, तो इंफॉर्मेशन सोर्स कौन हो गया या सेंडर कौन हो गया? आपका दोस्त हो गया और वो आपसे कुछ बात कर रहा है. ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका मैसेज. और जब आप बोल रहे हो तो वो कहाँ जा रहा है? वो उस फोन डिवाइस में. लेकिन जो फोन है वो हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, क्योंकि वो तो मशीन लैंग्वेज समझता है ना. मशीन की अपनी एक लैंग्वेज होती है. तो वो क्या करता है, आपने जो मैसेज भेजा है वो उसको इनकोड करता है. ठीक है, इनकोड करता है और चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में. ठीक है, और सिग्नल के थ्रू वो आपके फोन तक पहुंचता है. लेकिन जब वो आपके फोन में जब वो पहुंच रहा है, किस लैंग्वेज में पहुंच रहा है? मशीन लैंग्वेज में. फिर आपका फोन उस मशीन लैंग्वेज को डिकोड करता है और उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन लैंग्वेज में. किसमें? ह्यूमन लैंग्वेज में. आपको क्लियरली वो चीज सुनाई देती है जो आपके दोस्त ने फोन पे बोली है. ठीक है, और मैसेज अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है. तो शैनन वीवर के कम्युनिकेशन मॉडल में क्या है कि कोई इंफॉर्मेशन सोर्स होगा. ठीक है, वो कोई मैसेज भेजेगा और वो मैसेज मशीन में इनकोड होगा उसकी लैंग्वेज में, और ट्रांसमीटर के जरिए वो सिग्नल भेजेगा और वो सिग्नल रिसीवर के पास जो मशीन है या जो डिवाइस है उसमें वो मैसेज रिसीव होगा. फिर वो मशीन उसको डिकोड करेगी और वो रिसीवर को सुनाई देगा और मैसेज अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा. तो ये पूरा मैथमेटिक्स शैनन वीवर ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में समझाई. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इंफॉर्मेशन सोर्स क्या हो गया? मैं. ठीक है, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो हो गया मैसेज. और ये जब मैसेज कंप्यूटर में स्टोर होता है, पहले कंप्यूटर इस मैसेज को 0 और 1 की लैंग्वेज में इनकोड करेगा और सिग्नल के थ्रू आपके पास जो डिवाइस है तो उस डिवाइस पे वो सिग्नल रिसीव होगा और वो डिवाइस आपकी उस मैसेज को डिकोड करेगी और आप तक ये मैसेज पहुंचा देगी और आप मेरे मैसेज को ह्यूमन लैंग्वेज में सुन पाओगे. ठीक है, और मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा. तो यही शैनन और वीवर का कम्युनिकेशन मॉडल है. ठीक है, अब शैनन और वीवर ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में नॉइज की बात की है. इससे पहले जो भी कम्युनिकेशन मॉडल हम लोगों ने पढ़े हैं वो लीनियर मॉडल है. शैनन वीवर का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो भी एक लीनियर मॉडल है. उससे पहले वाले जो कम्युनिकेशन मॉडल हैं उनमें फीडबैक और नॉइज की बात नहीं हुई थी. ठीक है, लेकिन शैनन वीवर ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में नॉइज की बात की है. और ये नॉइज किसी भी लेवल में हो सकती है,
चैनल के लेवल पे हो सकती है, रिसीवर के लेवल पे हो सकती है, सेंडर के लेवल पे हो सकती है, ठीक है। तो शैनन वीवर ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में नॉइस के तीन लेवल डिस्कस किए हैं, लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी। लेवल ए में हम चैनल नॉइस की बात करते हैं, यानी मीडियम की बात करते हैं। अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो मीडियम क्या है आपका? फोन है, यानी सिग्नल है। तो अगर सिग्नल में ही कोई खराबी है, ठीक है, सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत वीक है, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो जो सेंडर का मैसेज है वो रिसीवर तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, तो इसे चैनल नॉइज कहते हैं, ठीक है। तो ये किस में है? लेवल ए में। ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेवल वन में शैनन वीवर ने किस नॉइज की बात की है, या जो चैनल नॉइज है वो शैनन वीवर ने किस लेवल में रखी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेवल ए में किसकी बात हो रही है, चैनल नॉइज की बात हो रही है, इट मींस मीडियम की बात हो रही है। नेक्स्ट है लेवल बी, जिसमें सिमेंटिक नॉइज की बात की है। सिमेंटिक नॉइज में क्या है? मैसेज और रिसीवर के एंड से होती है। जैसे सेंडर ने कोई मैसेज रिसीवर को भेजा, लेकिन रिसीवर ने वो मैसेज या तो मिसअंडरस्टैंड कर लिया या गलत समझ लिया, ठीक है। आपने मैसेज तो कुछ और भेजा है, लेकिन सामने वाले ने गलत तरीके से डिकोड किया है या गलत डिकोड किया है, जिससे क्या क्रिएट हुई? नॉइज क्रिएट हुई। ये हो सकता है कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा है रिसीवर के पास, रिसीवर की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस मैसेज को समझने की, तो उस वजह से भी सिमेंटिक नॉइज क्रिएट होती है। तो कहते नहीं है कि मुझे तो कोई समझ ही नहीं पाता है, मेरी बातों को कोई समझता ही नहीं है। तो हो सकता है आपको सामने वाला इस वजह से ना समझ रहा हो, क्योंकि उसकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी है नहीं कि आप जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको, वो उस चीज को समझ सके। तो रिसीवर की मेंटल कैपेबिलिटी भी कभी कभी सिमेंटिक नॉइज का रीजन बनती है, ठीक है। दूसरा है मैसेज के एंड से, कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा है वो मैसेज ही बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है। तो अगर मैसेज सही नहीं है तभी भी रिसीवर को उसको समझने में दिक्कत होगी, उसको भी सिमेंटिक नॉइज बोलते हैं। कि अगर मैसेज अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ है, या रिसीवर की कैपेबिलिटी नहीं है उस मैसेज को समझने की या रीड करने की, तब सिमेंटिक नॉइज क्रिएट होती है। जैसे पीएचडी स्कॉलर कोई चीज नाइन्थ के बच्चे को समझा रहा है, ठीक है, नाइन्थ का कोई स्टूडेंट है, तो दोनों की मेंटल कैपेबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। वो पीएचडी स्कॉलर है, वो अभी नाइन्थ में है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी ये बच्चा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है। धीरे धीरे जब वो अब अगली क्लासेस में आएगा, एज में बड़ा होगा, तब उन सारी चीजों को वो शायद अंडरस्टैंड कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेवल सी। लेवल सी में किस नॉइज की बात की गई है? वो है इफेक्टिवनेस नॉइज, यानी मैसेज का रिसीवर के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। मतलब उसने अंडरस्टैंड तो कर लिया है, अगर अंडरस्टैंड नहीं किया है उसने, तो कौन सी नॉइज होगी? सिमेंटिक नॉइज। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर वो चीज आपको समझ में आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, इट मींस क्या है? सिमेंटिक नॉइज है। और अगर वो आपको समझ में आ गई है और उसके बाद आप उसको सही से अप्लाई नहीं करते, तब क्या क्रिएट होता है? इफेक्टिवनेस नॉइज। जैसे मम्मी किसी काम के लिए बोल रही है, आपको समझ में तो आ रहा है कि मम्मी इस काम के लिए कह रही है, ये काम करने के लिए बोल रही है, लेकिन आप उस चीज को कर नहीं रहे हो, इट मींस क्या है? इफेक्टिवनेस नॉइज। आपको पापा किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है? इफेक्टिवनेस नॉइज। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि लेवल ए में हम चैनल नॉइज की बात करते हैं, लेवल बी में हम सिमेंटिक नॉइज की बात करते हैं, और लेवल सी में हम इफेक्टिवनेस नॉइज की बात करते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत है किसी पॉइंट में और नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और कमेंट के थ्रू ही आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो नॉइज आप लोगों को समझ में आ गई। एक तो टर्म और है जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक है एंट्रोपी और दूसरा है रिडंडेंसी, ठीक है। एंट्रोपी को हम
नॉइज समझ सकते हैं कि सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज भेजा और रिसीवर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ठीक है, या मिसअंडरस्टैंड उसने कर लिया, तो वो क्या है, एंट्रोपी है कि जो रिसीवर है वो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा कि सेंडर क्या कह रहा है, ठीक है। वो रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है, जो मैसेज का जो कंटेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो क्या है, हाई अनप्रिडिक्टेबिलिटी। एग्जामिनर ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन देता है। अभी इन्होंने क्या है, अभी यहां क्या लिखा है, हाई अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अगर इसको हम हाई अनप्रिडिक्टेबिलिटी की जगह हम लिख दें लो प्रिडिक्टेबिलिटी, तो मतलब वही है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे ही वो खेलता है कि दोनों चीजों का मतलब एक है और आपने कोई स्टार्टिंग का एक वर्ड मिस कर दिया पढ़ने में और आपने आंसर गलत लगा दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को बड़े गौर से देखना है कि जो क्वेश्चन है वो पूछ क्या रहा है, ठीक है, और उसका क्या मतलब है। ये नहीं है कि अच्छा आपने प्रिडिक्टेबिलिटी देख लिया तो अच्छा एंट्रोपी ही होगा, ठीक है। एंट्रोपी क्या है, नॉइज है, जिसमें लूप जो रिसीवर है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि सेंडर ने क्या मैसेज भेजा है। और क्यों प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, या तो रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग या मेंटल कैपेबिलिटी में कुछ दिक्कत है, इस वजह से वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, या जो मैसेज है उस मैसेज का जो कंटेंट है वो उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुआ है या नहीं बनाया गया है कि वो इजीली रिसीवर को समझ में आए, तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होती है, नॉइज यानी एंट्रोपी, ठीक है। तो कभी नॉइज की जगह एंट्रोपी आपको दिख जाए तो आपको हम आपको समझना है कि वहां नॉइज की बात हो रही है। दूसरा क्या है, रिडक्डेंसी। रिडक्डेंसी में क्या है कि सेंडर ने जो भी मैसेज रिसीवर को भेजा है, रिसीवर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। रिडक्डेंसी में ये है कि जो भी मैसेज भेजा जा रहा है सेंडर के थ्रू, रिसीवर उसको इजीली अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। तो ये नॉइज का कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बर्लो का SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। डेविड बर्लो ने SMCR मॉडल 1916 में दिया था। डेविड बर्लो क्या थे, एक कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट। डेविड बर्लो का मानना था कि सेंडर और रिसीवर का मेंटल लेवल अगर एक जैसा है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सेंडर का और रिसीवर का जो मेंटल लेवल है वो एक होना चाहिए। तो डेविड बर्लो ने अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया था अपनी बुक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो डेविड बर्लो ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल को फर्स्ट टाइम एज ए प्रोसेस डिस्क्राइब किया है। आप लोगों को इस कम्युनिकेशन मॉडल में क्या क्या चीजें याद रखनी है कि जो SMCR मॉडल किसका है, डेविड बर्लो का। ये कम्युनिकेशन मॉडल डेविड बर्लो ने कब प्रपोज किया था, 1916 में। डेविड बर्लो मानते थे अगर सेंडर और रिसीवर का जो मेंटल लेवल सेम है तो जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। डेविड बर्लो ने SMCR जो मॉडल है वो किस बुक में दिया है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। और डेविड बर्लो ही थे जिन्होंने कम्युनिकेशन को एज ए प्रोसेस फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया, ठीक है। ये बर्लो का SMCR मॉडल है। एस मीन्स सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। डेविड बर्लो क्या मानते हैं कि अगर सोर्स और रिसीवर अगर सेम लेवल पे हैं तो कम्युनिकेशन क्या होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे अगर सोर्स की या सेंडर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना जानता है, चाहे वो रिटेन में हो चाहे वर्बल कम्युनिकेशन में हो, और रिसीवर की कम्युनिकेशन स्किल भी सेंडर की तरह ही अच्छी हैं, तो क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। फिर क्या, अगर सेंडर का एटीट्यूड से क्या मतलब है कि सपोज कोई टीचर है क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है,
अगर टीचर का एटीट्यूड है बच्चों को क्लास में पढ़ाना, लेकिन अगर बच्चों का एटीट्यूड नहीं है उस तरीके से, तो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर टीचर का एटीट्यूड नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन बच्चों का एटीट्यूड है पढ़ने का, तो क्या है, यहाँ मिसमैच हो रहा है। तो आपका अगर एटीट्यूड सेम है तो कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव। नॉलेज, सेंडर की नॉलेज बहुत अच्छी है, उसको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, अपने सब्जेक्ट के अलावा बाकी सोशल चीजों की, ठीक है, पॉलिटिकल चीजों की का एक उसको बेसिक नॉलेज है, और सेम नॉलेज आपकी रिसीवर के पास भी है, तो जो कम्युनिकेशन क्या है वो इफेक्टिव होगा। जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे हो, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो अगर कम्युनिकेशन के बारे में आपके पास पहले से बेसिक नॉलेज है, या आपने कहीं पढ़ रखा है या कहीं सुन रखा है, तो आप क्या है, आप उस चीज को अच्छे से सुनोगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। तो डेविड बर्लो यही कह रहे हैं कि अगर सेंडर की और रिसीवर की नॉलेज अगर सेम है तो कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। सोशल सिस्टम क्या है कि अगर दोनों का बैकग्राउंड एक है, एक ही सोशल सिस्टम से आए हैं, अगर आपका सोशल सिस्टम एक जैसा है तो कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। कि सपोज कम्युनिकेशन करने वाला मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, और जो रिसीवर है वो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा, क्योंकि आप भी उसी इन्वायरमेंट से आए हो, आपकी सराउंडिंग भी उसी तरीके की है, और जो रिसीवर है वो भी उसी बैकग्राउंड से आया है, उसकी सराउंडिंग भी सेम है, क्या होगा, कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होगा, आप एक दूसरे को अच्छे से सुनोगे और समझोगे, ठीक है। ऐसी कल्चर है, अगर किसी का कल्चर सेम है, सेंडर का कल्चर सेम है और रिसीवर का कल्चर सेम है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा ज्यादा कनेक्ट महसूस करते हो। जैसे अगर आप यूपी से हैं, अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, अगर वहां आपको कोई यूपी का कोई पर्सन मिल जाता है, तो एक बॉन्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, एक अटैचमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्यों, क्योंकि आप सेम कल्चर से बिलोंग कर रहे हो। तो अगर सेंडर का कल्चर सेम है और रिसीवर का कल्चर सेम है, तो क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन इन प्रैक्टिकलिटी में अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ ना कुछ नॉइस हमेशा ही होगा, वो सेंडर के लेवल पे भी हो सकता है, वो रिसीवर के लेवल पे भी हो सकता है, वो मैसेज के लेवल पे भी हो सकता है, तो कभी भी रिसीवर और सेंडर सेम नहीं हो सकते हैं, तो सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकते हैं, सेम लेवल नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया है कि मैसेज कंटेंट, यानी मैसेज का कंटेंट जितना अच्छा होगा, जितनी क्वालिटी आपने उसमें डाली होगी, जितना अच्छे से आपने उसको प्रिपेयर किया होगा या प्रेजेंट किया होगा, चाहे वो रिटेन में हो, ठीक है, चाहे वो ओरली हो, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होने के चांसेस उसके ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट, यानी अपने मैसेज में, अपने कंटेंट में कौन कौन से एलिमेंट आपने यूज किए हैं। जैसे आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आपने डाले हैं, आपका जेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है लोगों के साथ, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तो ये सारे एलिमेंट भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जरूरी होते हैं। जैसे अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें आपने क्या ग्राफिक्स यूज किए हैं, कौन सा कलर यूज किया है, कौन सा फॉन्ट यूज किया है, तो ये सारे एलिमेंट हैं जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से क्या मतलब है, जैसे एक ही कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को 10 लोगों में बांटा जाता है और उनको बोला जाता है कि इनकी पैकेजिंग आप करो, तो जो 10 लोग हैं वो 10 तरीके से पैकेजिंग करेंगे, किसी की बहुत अच्छी होगी, किसी की बहुत खराब होगी, किसी की एवरेज होगी, तो ये डिपेंड करता है कि आप मैसेज के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आपने पैकेजिंग देखी होगी प्रोडक्ट की, तो अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग पैकेजिंग है, यानी एक ही प्रोडक्ट है और अलग अलग ब्रांड के रखे हुए हैं, और अगर आप गौर करोगे तो सबकी पैकेजिंग अलग है, सबका ट्रीटमेंट अलग है, उसका ट्रीटमेंट और पैकेजिंग आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, उसका ट्रीटमेंट आपको बहुत खराब लग रहा होगा। तो यही है कि कंटेंट के साथ, मैसेज के साथ आप क्या पैकेजिंग करते हो, क्या ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, यानी जो आपने मैसेज प्रिपेयर किया है उस मैसेज को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाया है कि नहीं किया है। जैसे आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हो तो प्रेजेंटेशन में आप ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी स्टार्ट कर देते हो, एक स्ट्रक्चर बनाते हो ना कि पहले अच्छा मैं टॉपिक बताऊंगा, फिर मैं उसका थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, फिर उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन दूंगा, फिर मैं ये कंक्लूजन दूंगा, ठीक है। तो
तो उस तरीके से आप क्या करते हो, हर चीज की एक स्ट्रक्चर बनाते हो। जैसे अगर आप कोई एक आर्टिकल भी लिख रहे हो या न्यूज भी लिख रहे हो, तो आप क्या करते हो कि एक स्ट्रक्चर बनाते हो ना, कि फर्स्ट पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा, फोर्थ पे ये होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले को वो चीज इजीली समझ में आएगी। जब वो स्टेप बाय चीजों को सुनेगा या पढ़ेगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। इसलिए अपना जो मैसेज है उसको एक स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है। तो डेविड ब्रेलो यही कहते हैं कि मैसेज को एक स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है कोड। जैसे जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो कुछ उस कम्युनिकेशन में कुछ कोड का यूज करते हो। अगर वो कोड आपके रिसीवर को पता है तो जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे बहुत लोग फोन पर बात करते टाइम या चैट करते टाइम लॉल और उस तरीके के एब्रीविएशन का ये लोग यूज करते हैं, तो अगर रिसीवर को ये कोड पता ही नहीं होंगे तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए सेंडर को कि मैसेज प्रिपेयर करते टाइम अगर उसमें कोड यूज भी कर रहा है वो, तो ऐसे कोड यूज करने चाहिए उसको जो रिसीवर उनको इजीली समझ पाए। ठीक है, अगर वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपके हाथों की मूवमेंट, आपके हाथों के इशारे, आंखों के इशारे, ठीक है, तो इन सब चीजों को कोड में आप काउंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डेविड बर्लो ने बताए हैं चैनल्स के बारे में कि जो सेंडर है अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाने के लिए अलग अलग चैनल्स का यूज करता है। जैसे हियरिंग है, जिसमें सेंडर कोई मैसेज भेजता है और जो रिसीवर है वो सुनकर उसका मैसेज रिसीव करता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, हियरिंग चैनल। ठीक है, दूसरे तरीके का चैनल है सीइंग, यानी जो रिसीवर है वो देखकर मैसेज रिसीव कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओक्यूलेसिक्स। क्या बोलते हैं, ओक्यूलेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है टचिंग, कि जब आप टच करके कोई मैसेज रिसीव करते हो। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर टचिंग के थ्रू अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हैप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट है स्मेलिंग, आप स्मेल करके भी मैसेज को रिसीव करते हैं, आपको स्मेल करके भी पता चलता है कि कम्युनिकेट होता है कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज खराब है। ठीक है, स्मेलिंग के तरीके को क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं वर्बल और नॉन वर्बल वाली वीडियोस में, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, तो उन्होंने बताया है कि टेस्टिंग के, टेस्ट करके भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो सपोज घर पे खाना बनना है 50 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए या 10 लोगों के लिए, तो जो खाना बनाने वाला है वो क्या करता है, टेस्ट करके बता देता है कि खाना अच्छा बना है या खराब बना है। एक पर्सन ने वो टेस्ट किया है, लेकिन जो बाकी के लोग जो वहां आसपास होते हैं वो उन सबको वो मैसेज पहुंच जाता है कि खाना अच्छा है या बुरा है, कहीं नमक ज्यादा तो नहीं है, कहीं नमक कम तो नहीं है। ठीक है, तो टेस्टिंग के जरिए भी आप कम्युनिकेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टैक्टाइल। ये सारे टाइप हम लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। डेविड ब्रेलो के कम्युनिकेशन मॉडल के कुछ प्रिसिजन भी हैं। जैसे जो डेविड ब्रेलो का कम्युनिकेशन मॉडल है वो एक लीनियर मॉडल है, यानी सीधी रेखा में चलता है। अगर सीधी रेखा में चलेगा इट मींस इसमें फीडबैक का एलिमेंट है ही नहीं, फीडबैक का कॉम्पोनेंट है ही नहीं। तो इस मॉडल का क्या क्रिटिसिज्म है, लैक ऑफ फीडबैक, फीडबैक नहीं है, एक लीनियर मॉडल है। ठीक है, नॉइज और बैरियर की कोई बात ही नहीं हो रही है, और ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स मॉडल है। कॉम्प्लेक्स मॉडल क्यों है, कि डेविड ब्रेलो कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सेंडर और रिसीवर का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ये पॉसिबल नहीं है कि सेंडर और रिसीवर का जो मेंटल लेवल है या अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो सेम रहे, वो कभी सेम नहीं हो सकता है। इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स मॉडल बोलते हैं। ठीक है, वही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए डेविड ब्रेलो ने क्या बताया है, तो सेंडर और रिसीवर का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए, जो एवरीडे लाइफ में होना बहुत मुश्किल है। तो यही डेविड ब्रेलो का क्रिटिसिज्म है।
तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो जो चार्ल्स ऑसगुड थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे। ऑसगुड ने अपना कम्युनिकेशन मॉडल 1954 में दिया था। ऑसगुड के कम्युनिकेशन मॉडल में विल्वर स्ट्रैम ने भी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन दी है, इसलिए इस मॉडल को ऑसगुड एंड स्ट्रैम मॉडल, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, चार्ल्स ऑसगुड क्या थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया था 1954 में। विल्वर स्ट्रैम ने ऑसगुड के कम्युनिकेशन मॉडल में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए इसको ऑसगुड और स्ट्रैम मॉडल भी कहते हैं। तो कहीं आ जाए ऑसगुड या स्ट्रैम मॉडल तो आपको बताना है ऑसगुड ने जो मॉडल दिया था, या फिर ऑसगुड मॉडल के नाम से आ जाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और ऑसगुड एंड स्ट्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक ही है, ठीक है। ऑसगुड ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में इनकोडर, इंटरप्रेटर और डिकोडर की बात की है, यानी जब सेंडर किसी मैसेज को इनकोड करके रिसीवर तक भेजता है तो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आप और आपका फ्रेंड महंगाई के इशू पर कोई डिस्कशन कर रहा है, तो आपके दोस्त ने कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन आपको दी, यानी मैसेज सेंडर से लेके रिसीवर को पहुंच गई, तो आपका दोस्त क्या करेगा, जो आपने बोला है उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा कि आपने कितना सही बोला है, कितना गलत बोला है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपने सही दी है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपने गलत दी है, कहां आप मैन्युपुलेट कर रहे हैं, कहां आप चीजों को छिपा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसने जो मैसेज दिया है उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा। फिर डिकोड करने के बाद आपका जो फ्रेंड है उस मैसेज को इंटरप्रिटेशन करेगा, मतलब हिंदी में व्याख्या, ठीक है। तो एक मैसेज सेंडर की तरफ से आया है, रिसीवर तक पहुंचा है, उसने मैसेज को डिकोड करना स्टार्ट किया है, ठीक है। अब उस मैसेज का वो क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा, इंटरप्रिटेशन उसका निकालेगा कहां, अपने ब्रेन के थ्रू। फिर उस मैसेज में अपना कुछ ऐड करेगा, ठीक है। हो सकता है आपकी जो महंगाई पर आपने जो बात कही है उसके फेवर में कुछ उसमें और पॉइंट उसमें जोड़ दे, या उसके अगेंस्ट में कुछ और पॉइंट जोड़ दे। तो वो क्या कर रहा है, अब डिकोड कर लिया, इंटरप्रिटेशन कर लिया उसने, तो आप क्या करेगा, वो इनकोडिंग के थ्रू वापस उस मैसेज को अपने दोस्त को बोलेगा, यानी अब आपके दोस्त का जो रोल था वो अब चेंज हो गया, अब वो उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड, ठीक है। आपके दोस्त ने क्या किया है, आपकी उसके दोस्त ने क्या बोला है, फिर उसी मैसेज को इंटरप्रिटेशन करेगा, फिर दोबारा इनकोड करके दोबारा फिर अपने दोस्त को मैसेज भेजेगा। तो ये क्या है, एक सर्कुलर में ये कम्युनिकेशन चलता रहता है। आपने अपने दोस्त को महंगाई के बारे में कुछ बोला, फिर उसने डिकोड किया, इंटरप्रिटेशन किया, फिर उसने इनकोडिंग के जरिए फिर वो मैसेज आपको भेज दिया, फिर आपने वो मैसेज डिकोड किया, फिर इंटरप्रिटेशन उसमें निकाला, ठीक है, फिर आपने इनकोड करके फिर दोबारा मैसेज उसको भेज दिया। तो ये क्या है, एक सर्कुलर कम्युनिकेशन जो चलता रहता है, ठीक है। समझ में आ गया कि सेंडर कभी इनकोडिंग की स्टेज में होता है और कभी डिकोड की, ऐसे ही जो रिसीवर होता है कभी डिकोडर की स्टेज में होता है, कभी इनकोडर की। इट मींस इसमें क्या ऐड है, फीडबैक। जो इससे पहले कम्युनिकेशन मॉडल डिस्कस किए गए हैं वो क्या थे, वो सारे मॉडल लीनियर मॉडल थे, और लीनियर मॉडल क्यों थे, क्योंकि उनमें फीडबैक का एलिमेंट या कंपोनेंट नहीं था। तो ऑसगुड ने फीडबैक के एलिमेंट और कंपोनेंट को
अपने कम्युनिकेशन मॉडल में इंक्लूड किया है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक सर्कुलर मॉडल, कि यहां से कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, रिसीवर तक पहुंचता है, फिर रिसीवर उस में कुछ फीडबैक देता है और फिर दोबारा फिर सेंडर के पास आ जाता है। तो ये कम्युनिकेशन मॉडल इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। आपको इस कम्युनिकेशन मॉडल के बस ये एलिमेंट आपको याद रखने हैं कि ऑसबोर्न ने कौन कौन से एलिमेंट दिए थे, इनकोडर की बात की उन्होंने, इंटरप्रेटर की बात की है, डिकोडर की बात की है और फीडबैक की बात की है, कि कोई एक मैसेज सेंडर से स्टार्ट होता है, रिसीवर तक पहुंचता है और फिर रिसीवर उसको इनपुट करके वापस सेंडर के पास भेज देता है, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन है एक साइकिल में चलता रहता है। और दूसरा क्या याद रखना है, जो सेंडर है वो कभी इनपुटर वाली पोजीशन में होता है, कभी डिकोडर वाली पोजीशन में, ऐसे ही जो रिसीवर है वो कभी डिकोडर वाली पोजीशन में रहता है, कभी इनकोडर वाली पोजीशन में, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ऑसगुड कम्युनिकेशन मॉडल का कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि इसमें नॉइज की बात नहीं हुई है, इफेक्ट की बात नहीं हुई है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं हुई है, क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हो तो ये जरूरी नहीं है सेंडर और रिसीवर का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सेम हो, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ वैलिड पॉइंट आप सामने वाले से डिस्कस कर रहे हैं, उसको कुछ बता रहे हैं, लेकिन उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना है ही नहीं कि वो चीजों को समझ पाए, तो ये इस कम्युनिकेशन मॉडल की कमी है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट होती रहती हैं कि अगर महंगाई के ऊपर कोई बात हो रही है तो कुछ लोग महंगाई के कुछ फायदे बता रहे हैं, जैसे टमाटर अगर महंगा हो गया है तो कुछ लोग आर्गुमेंट करते हैं कि लोगों को खाना ही बंद कर देना चाहिए, तो उस तरीके के आर्गुमेंट देते हैं क्योंकि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है। इस लॉजिक से अगर आप सोचोगे तो अगर टमाटर महंगा हो गया है तो खाना बंद कर देना चाहिए, तो अगर दवाई भी महंगी है तो दवाई भी खाना बंद कर देना चाहिए अगर आप बीमार होते हैं, तो अगर एजुकेशन अगर महंगी हो रही है अपने बच्चों को पढ़ाना भी बंद कर देना चाहिए, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन नहीं दिलाना चाहिए, तो ये कुछ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में गैप है तो जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से कम्युनिकेट होगा ही नहीं, ठीक है। इफेक्ट की बात यही है कि अगर मैसेज सेंडर रिसीवर को भेजता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उस इफेक्ट की बात नहीं हुई है। नॉइज की बात नहीं हुई है कि बहुत सारी नॉइज हैं जो मैसेज के लेवल पे भी हो सकती हैं, सेंडर के लेवल पे भी हो सकती हैं और रिसीवर के लेवल पे भी हो सकती हैं, तो उनकी बात नहीं हुई है, तो उस वजह से ऑसगुड के कम्युनिकेशन मॉडल को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये नॉइज की इफेक्ट की और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करता है। दूसरा ये है कि डजंट वर्क फॉर मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि जो बात हो रही है वो या तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की या ग्रुप कम्युनिकेशन की। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये जो कम्युनिकेशन है वो किसी साइकिल में हो रहा है, या कोई छोटा ग्रुप है जिसमें दो चले के 10 लोग हैं, ठीक है, तो जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें भी कम्युनिकेशन क्या है, एक साइकिल वे में या सर्कुलर वे में हो रहा है, लेकिन इसको मास कम्युनिकेशन लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते, या ये कम्युनिकेशन मॉडल मास कम्युनिकेशन के लिए काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे श्रेम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। श्रेम का पूरा नाम विल्बर श्रेम था। विल्बर श्रेम एक कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे। विल्बर श्रेम ने अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट बुक में 1954 में दिया था। अपना कम्युनिकेशन मॉडल देने से पहले विल्बर श्रेम ने उस समय तक जितने भी कम्युनिकेशन मॉडल थे उन सभी को स्टडी करने के बाद अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया था। विल्बर श्रेम ने शैनन और वीवर का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसी को अडेप्ट करके ह्यूमन कम्युनिकेशन का मॉडल दिया। ह्यूमन कम्युनिकेशन में विल्बर श्रेम मानते हैं कि ह्यूमन कम्युनिकेशन में इनकोडिंग,
और डिकोडिंग का जो एलिमेंट है या जो कंपोनेंट है वो बहुत जरूरी होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, सेंडर की तरफ से इनकोडिंग और रिसीवर की तरफ से डिकोडिंग का एलिमेंट किसी भी कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। विल्बर स्वैम कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हुए आगे बताते हैं कि कम्युनिकेशन एक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन हम ओरल फॉर्म में कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में कर सकते हैं, वर्बल फॉर्म में कर सकते हैं, नॉन वर्बल फॉर्म में कर सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में माइक्रोफोन को हम इनकोडर और ईयरफोन को हम डिकोडर मानते हैं, वैसे ही ह्यूमन कम्युनिकेशन में हम सोर्स और इनकोडर को एक पर्सन मानते हैं, वहीं डिकोडर और डेस्टिनेशन को एक दूसरा पर्सन। साथ ही सैनन वीवर ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में जो सिग्नल वाला कंपोनेंट या एलिमेंट रखा है, विल्बर स्वैम ने उसको लैंग्वेज माना। इस कम्युनिकेशन मॉडल में हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि विल्बर स्वैम एक कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे, उन्होंने मास मीडिया और नेशनल डेवलपमेंट बुक में अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया है, कब दिया है 1954 में। विल्बर स्वैम ने अपना जो कम्युनिकेशन मॉडल है कहाँ से अडेप्ट किया है, शैनन वीवर के कम्युनिकेशन मॉडल से, और उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, ह्यूमन कम्युनिकेशन में इसको डिफाइन किया। साथ ही इनकोडिंग और डिकोडिंग के प्रोसेस को उन्होंने मेन कंपोनेंट या एलिमेंट माना है, और कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि कम्युनिकेशन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में माइक्रोफोन इनकोडर होता है और ईयरफोन डिकोडर, उसी को उन्होंने ह्यूमन कम्युनिकेशन में जब अडेप्ट किया तो सोर्स और इनकोडर को एक अलग पर्सन माना है और डिकोडर और डेस्टिनेशन को एक अलग। ठीक है, साथ ही शैनन वीवर के कम्युनिकेशन मॉडल में जो सिग्नल है उसको विल्बर स्वैम ने लैंग्वेज माना है। तो शैनन वीवर का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसमें सेंडर इनकोडिंग के जरिए एक मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है और रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करते हुए फीडबैक के जरिए वापस सेंडर को भेज देता है, और ये कम्युनिकेशन इसी तरह सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है। ठीक है, सर्कुलर और टू वे कम्युनिकेशन अलग अलग होता है, आप लोग एक मत समझिएगा। जैसे टू वे कम्युनिकेशन है और एक है सर्कुलर कम्युनिकेशन। अब डिफरेंस क्या है इसमें, टू वे में मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, ठीक है, और रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद वो उसका फीडबैक सेंडर को भेज देता है कि अच्छा लगा, बुरा लगा, खराब लगा, उसको कैसा लगा, अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं डालता है उसमें। ठीक है, कि आपने अपने दोस्त को कोई मैसेज भेजा, ठीक है, अब उस मैसेज पे आपके दोस्त ने कुछ रिएक्ट किया, ठीक है, कोई अच्छा रिएक्ट किया, कोई बुरा रिएक्ट किया, कोई रिएक्ट किया, उसने उस मैसेज में अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं डाला। लेकिन सर्कुलर जो कम्युनिकेशन है उसमें रिसीवर अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करता है, जैसे आपने महंगाई के मुद्दे पर अपने एक फ्रेंड को कुछ बोला, ठीक है, फिर उसने उस मैसेज को डिकोड किया, फिर उस मैसेज में उसने अपना कुछ इनपुट डाला, फिर आपको भेजा। जैसे सेंडर ने इनकोडिंग के जरिए रिसीवर को मैसेज भेजा, रिसीवर ने मैसेज डिकोड किया, फिर उस मैसेज में उसने अपना कुछ इनपुट डाला, ठीक है, फिर उसने
इनकोडिंग प्रोसेस के जरिए आपको मैसेज भेज दिया, आप डिकोडर हो गए, तो यहाँ क्या है, सेंडर और रिसीवर की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। कभी सेंडर इनकोडर का काम करता है, तो कभी डिकोडर का, ऐसे ही कभी रिसीवर डिकोडर का काम करता है, कभी इनकोडर का। तो सर्कुलर और टू वे कम्युनिकेशन में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया कि टू वे कम्युनिकेशन में क्या है, जो रिसीवर है उस मैसेज में अपना कोई इनपुट नहीं डाल रहा है, इसलिए वो टू वे कम्युनिकेशन है। और सर्कुलर कम्युनिकेशन में क्या है कि जो रिसीवर है, जो मैसेज उसको रिसीव हुआ है, उस मैसेज में कुछ अपना इनपुट डालता है, फिर वो सेंडर तक भेजता है, और ये सर्किल ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, इसलिए इसको सर्कुलर कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, टू वे कम्युनिकेशन अलग है, सर्कुलर कम्युनिकेशन अलग है। तो जो रिवर्स रैम का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो क्या है, सर्कुलर, ठीक है। और सर्कुलर क्यों है आप लोगों को पता चल गया, यही बात ऑसगुड ने भी अपने कम्युनिकेशन मॉडल में कही है, ठीक है। लेकिन तो विल्वर्स रैम ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में क्या ऐड किया है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को, ठीक है। अब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है जब सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई कॉमननेस हो, ठीक है, कोई कॉमननेस हो। कॉमननेस से क्या मतलब है, हो सकता है वो सोशल बैकग्राउंड उनका सेम हो, जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो सबका सोशल बैकग्राउंड बहुत अलग अलग है, कोई किसी कम्युनिटी से है, कोई किसी कास्ट से है, कोई किसी रिलीजन से है, ठीक है। तो हम क्या है, अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर में बड़े हुए हैं, तो अगर किसी का सोशल बैकग्राउंड सेम है तो इट मीन्स कॉमननेस हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी का बिलीफ सेम है तब कॉमननेस हो जाएगी, अगर किसी का एक्सपीरियंस सेम है उस तब कॉमननेस हो जाएगी, अगर कोई सेम वैल्यूज फॉलो करता है तो कॉमननेस हो जाएगी, अगर कोई सेम जेंडर से बिलोंग करता है तो जो कॉमननेस है सेंडर रिसीवर के बीच में उसके बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी थॉट में बिलीव कर रहे हो और आपका रिसीवर भी उसी थॉट में बिलीव कर रहा है तो जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होगा। आप सेम बैकग्राउंड से आए हो, आपका रिसीवर भी सेम बैकग्राउंड से है तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। आपका भी सेम एक्सपीरियंस रहा है, आपके रिसीवर का सेम एक्सपीरियंस रहा है तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। आप उस वैल्यूज को फॉलो करते हैं लाइफ में, आपका रिसीवर भी उन्हीं वैल्यूज को फॉलो करता है लाइफ में, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। सेम सेट ऑफ जेंडर से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपका रिसीवर भी सेम जेंडर से बिलोंग कर रहा है तो भी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है, कि सेंडर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस और रिसीवर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सेम होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन है उसके अच्छे से होने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का जो एलिमेंट है वो किसने दिया है, किसने ऐड किया है, विल्बर्ट स्वैम ने। जैसे बर्लो ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में बताया था कि अगर सेंडर और रिसीवर सेम लेवल पे हैं तो जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसी तरीके से विल्बर्ट स्वैम ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कहा है उसी चीज को, कि सेंडर और रिसीवर एक्सपीरियंस पार्टिकुलर चीजों में सेम है तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बर्लो का कम्युनिकेशन मॉडल अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कम्युनिकेशन मॉडल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। लेकिन विल्बर्ट स्वैम के कम्युनिकेशन मॉडल का कुछ क्रिटिसिज्म भी है, क्यों, क्योंकि इसमें नॉइज की बात नहीं हुई है, ठीक है। नॉइज किसी भी लेवल पे हो सकती है, वो सेंडर के लेवल पे भी हो सकती है, वो रिसीवर के बेसिस पे भी हो सकती है, वो जब आप मैसेज इनकोड कर रहे हो उस समय भी नॉइज क्रिएट हो सकती है, जब रिसीवर मैसेज को डिकोड कर रहा है उस समय भी नॉइज क्रिएट हो सकती है, या जो मैसेज भेजा गया है उस मैसेज में भी नॉइज हो सकती है। तो इस मॉडल में नॉइज की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है। इसके साथ ही विल्बर्ट स्वैम
फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, लेकिन सभी का एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक उसका क्रिटिसिज्म है। जैसे शैनन वीवर ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में चैनल नॉइज, सिमेंटिक नॉइज और इफेक्टिव नॉइज की बात की है, इस मॉडल में किसी भी नॉइज की बात नहीं हुई है, जिसकी वजह से इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आप लोगों को इस मॉडल में क्या याद रखना है, जो सेंडर है और जो इनकोडर है वो एक पर्सन है, और रिसीवर और डेस्टिनेशन एक पर्सन है, ठीक है। और सिग्नल को उन्होंने क्या माना था, मैसेज, ठीक। इनकोडर मैसेज को डिकोडर के पास भेजता है, यानी सेंडर मैसेज को रिसीवर के पास भेजता है, रिसीवर उसमें कुछ अपना एलिमेंट ऐड करके इनकोडिंग प्रोसेस के जरिए, ठीक है, इनकोड करता है और फिर सेंडर के पास वापस भेज देता है। तो सेंडर कभी इनकोडर है तो कभी डिकोडर, ऐसे ही रिसीवर कभी डिकोडर है तो कभी इनकोडर, ठीक है। अगर आप लोगों को इस कम्युनिकेशन मॉडल को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल आप लोगों ने समझ लिया, कुछ टर्म होती है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही एक टर्म है सिमेंटिक डिफरेंशियल, ये किसने दी थी, ऑसगुड ने, ठीक है। सिमेंटिक डिफरेंशियल का क्या मतलब है, सपोज व्हाट्सएप स्टेटस में कोई जोक लगाया या कोई मीम लगाया है, ठीक है, उस मीम के ऊपर आपके दोस्तों में आप देखोगे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे किसी ने हंसने वाली इमोजी लगाई होगी, ठीक है, किसी ने दुखी वाली इमोजी लगाई होगी, किसी ने लव वाली इमोजी लगाई होगी, कोई सोचने वाली इमोजी लगा रहा होगा, कोई कंफ्यूजिंग वाली इमोजी लगा रहा होगा। इससे क्या पता चल रहा है, आपने जो कम्युनिकेशन का लोग अलग अलग तरीके से मीनिंग निकालते हैं। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि किसी स्टैंड अप कॉमेडियन ने कोई जोक किया, कुछ लोग उसको एंजॉय करते हैं, कुछ लोग उस पर हंसते हैं, कुछ लोग उस पर गुस्सा होते हैं, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, उनके सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, सिमेंटिक डिफरेंशियल, कि एक ही चीज का अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोगों को खराब लग रहा होगा, ठीक है। आप सबको भी अलग अलग चीजें इस कम्युनिकेशन में, कुछ लोगों को अलग अलग चीजें लग रही होंगी कि किसी मैसेज को रिसीवर किस तरीके से परसीव करता है, वो सिमेंटिक डिफरेंशियल है, ठीक है। ये टर्म किसने दी थी, चार्ल्स ऑसगुड ने। तो समझ में आ गया सिमेंटिक डिफरेंशियल क्या होता है। एक टर्म होती है कोनोटेटिव। कोनोटेटिव में क्या है कि जो सेंडर है वो मैसेज कुछ और देता है, लेकिन जो रिसीवर है उसका मतलब कुछ वो अलग निकाल लेता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सोचिए। अगर आप लोगों को याद होगा राहुल गांधी की आलू सोना वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, तो इसमें सेंडर ने आलू सोना एक अलग कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला, ठीक है, लेकिन अगर उसको एडिट करके अगर देखा जाए उसका मीनिंग कुछ अलग तरीके से निकलता है। तो ये क्या होगा, कोनोटेटिव, कि सेंडर ने मैसेज कुछ और कहा है या कुछ और बोला है या कुछ और लिखा है, लेकिन रिसीवर ने उसको कुछ अलग समझ लिया है। जैसे आप भी अगर दोस्तों से बात करते होगे तो आपने मैसेज कुछ और लिखा, आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो चीज बोली है, लेकिन सामने वाले ने क्या किया है, कुछ और मीनिंग उसका निकाल लिया है और आपका झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोनोटेटिव में यही है, सेंडर एक मैसेज भेजता है और रिसीवर उस मैसेज का एक अलग मतलब निकाल लेता है, ठीक है। एक टर्म और होती है डिनो
डिनोटेटिव। डिनोटेटिव में क्या है कि जब सेंडर मैसेज भेजता है रिसीवर के पास, तो रिसीवर एग्जैक्ट वही समझता है जो जो सेंडर ने भेजा है, ठीक है। यानी आपने अपने दोस्त को जो कुछ कहना चाहते हैं आपने उससे वही कहा और उसने वही समझा, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां किसी ने कुछ अलग मीनिंग नहीं निकाला है, आपने जैसा कहा है सामने वाले ने वैसा ही समझा है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिनोटेटिव, ठीक है। ये लोग ये चीज याद रखिएगा, कोनोटेटिव क्या है और डिनोटेटिव क्या है, ठीक है। एक टर्म होती है पॉलीसेमिक, ठीक है। अब पॉलीसेमिक क्या है, बहुत सारे शब्दों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, ठीक है। सपोज कोई शब्द है जैसे यूपी है, यूपी में किसी शब्द की मीनिंग अलग है, हो सकता है आप कर्नाटक में जा रहे हो तो वहां किसी वर्ड की अलग मीनिंग हो, महाराष्ट्र में जा रहे हो वहां उसी वर्ड की अलग मीनिंग हो, क्योंकि एक ही शब्द के जब अलग अलग मीनिंग होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसेमिक। कम्युनिकेशन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं वर्बली या रिटन में, तो उसका किस जगह क्या मीनिंग है, ठीक है। किस कॉन्टेक्स्ट में आप वो मैसेज भेज रहे हैं रिसीवर के पास, क्या जो आपका रिसीवर है क्या वो उसी कॉन्टेक्स्ट में समझेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए कि बहुत सारे वर्ड हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो कम्युनिकेशन करते टाइम ये चीजें याद रखनी चाहिए कि कहीं मीनिंग अलग ना हो जाए, ठीक है। तो एक ही शब्द का जब अलग अलग मीनिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेमिक। न्यूकॉम ने अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल 1953 में दिया, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ दिस मॉडल टू इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अ सोशल रिलेशनशिप, मतलब एक सोसाइटी में लोग किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, कैसे एक सोशल रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, ठीक है। और उसमें कम्युनिकेशन का क्या रोल है, यही डिफाइन करने के लिए न्यूकॉम ने ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया, ठीक है। एंड टू मेंटेन सोशल इक्विलिब्रियम विद इन द सोशल सिस्टम। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस, सोशल बैलेंस, हिंदी में संतुलन। न्यूकॉम का इस मॉडल को इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस क्या था कि सोशल रिलेशनशिप और सोशल इक्विलिब्रियम में कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है ये डिफाइन करने के लिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं और सबका एज डिफरेंस अलग अलग है, सबका जेंडर अलग अलग है और सबका एक दूसरे के साथ रिलेशन अलग अलग है, भाई बहन का हो सकता है, मम्मी पापा का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, दादा दादी का हो सकता है, और ये क्या है, ये एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन को आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, कम्युनिकेशन के थ्रू। सपोज फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, और लड़ाई झगड़े के बाद अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, उस चीज को बैठ के सॉल्व नहीं करेंगे, उस चीज पर बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जो आपका रिलेशनशिप है वो ब्रेक होने के चांसेस उसके ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें हर पर्सन अपने आप को सही मानता है, हर अपनी एक चीज को, हर अपनी एक एक्ट को सही मानता है और दूसरे वाले को गलत। तो अगर वो कम्युनिकेशन आपस में नहीं करेंगे तो ये जो सिचुएशन है वो कभी सॉल्व होगी नहीं। अगर आपने अपने आप को सही मान लिया और सामने वाले को गलत, तो वो चीज हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेगी, और अगर सामने वाले ने भी अपने आप को उसी तरीके से माना है जिस तरीके से आप मान रहे हो, तभी भी सिचुएशन वही बनी रहेगी। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें जिससे आपका जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग हो, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। इससे क्या होगा, आप एक साथ उस फैमिली में अच्छे से रह पाएंगे, ठीक है। तो ये सोशल रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया। ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, अगर उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी बात को लेके और अगर वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो चीजें सॉल्व होंगी नहीं, वो एक रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाएगी। तो जरूरत क्या है, कम्युनिकेशन करने की, एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने की, जिससे क्या है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है।
सपोज आप एक सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो लोगों की क्या कोशिश रहती है कि एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन वो मेंटेन करें, तभी तो सोसाइटी का बैलेंस रहेगा। तो सपोज एक सोसाइटी में एक 1,000 फैमिली रह रही है और आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही है या उनके रिलेशनशिप आपस में सही नहीं है, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। अगर सोशल रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो वो सोशल हार्मनी को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, जितने भी तरीके की हमारी सोशल रिलेशनशिप हैं, अगर वो ठीक रहेंगी तो जो सोसाइटी का जो बैलेंस है वो हमेशा सही रहेगा। और क्या है, मेंटेन सोशल इक्विलिब्रियम, यानी जो सोसाइटी है वो संतुलन में रहे। जैसे सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग जेंडर के हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो जब इतनी डाइवर्सिटी है तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इन कॉन्फ्लिक्ट को कौन कंट्रोल कर सकता है या कम कर सकता है, कम्युनिकेशन। कि जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, एक तो एक दूसरे को समझेंगे, जब एक दूसरे को समझेंगे तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा और उससे सोसाइटी का जो बैलेंस है वो हमेशा बैलेंस बना रहेगा। तो समझ में आ गया कि सोशल रिलेशनशिप और सोशल इक्विलिब्रियम में कम्युनिकेशन क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो सोशल रिलेशनशिप के लिए भी जरूरी है, वो सोशल इक्विलिब्रियम के लिए भी जरूरी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज AVX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और ट्राइंगुलर मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल। ठीक, न्यू कॉम के कम्युनिकेशन मॉडल को ABX मॉडल भी बोलते हैं, ट्राइंगुलर मॉडल भी बोलते हैं और साइकोलॉजिकल मॉडल भी बोलते हैं। तो आपको कौन कौन से पॉइंट याद रख, न्यू कॉम का कम्युनिकेशन मॉडल कब दिया गया था, 1953 में। इसका मेन पर्पस क्या था कि सोसाइटी में कम्युनिकेशन का क्या रोल है उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, और कम्युनिकेशन किस तरीके से सोशल रिलेशनशिप और सोशल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक, और इसको ABX मॉडल, ट्रायंगुलर मॉडल और साइकोलॉजिकल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये है न्यू कॉम का ABX मॉडल। इसमें ए जो है सेंडर है, बी जो है रिसीवर है, और जो एक्स क्या है, कोई टॉपिक जिसके ऊपर ये लोग डिस्कशन कर रहे होंगे, टॉपिक या इशू। ठीक है, और इस कम्युनिकेशन मॉडल में एक ट्रायंगल भी बनता है, तो इसलिए इसको ट्रायंगुलर मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिकल मॉडल भी बोलते हैं। सपोज महंगाई के मुद्दे पर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, ए ने बी से कुछ कहा, फिर बी ने ए से कुछ कहा। ठीक है, और इसी तरीके से ये कम्युनिकेशन चल रहा है। सपोज बी को ए की कोई बात पसंद नहीं आई है, उसका कोई आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आया या पसंद नहीं आया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन अगर ये बार बार इसी तरीके का कम्युनिकेशन करते रहेंगे तो एक पॉइंट ये आएगा, या तो बी ए की बात को मान लेगा या ए बी की बात को मान लेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट होगा दोनों के बीच में वो क्रिएट नहीं होगा। इससे क्या बना रहेगा, आपका सोशल रिलेशनशिप। सपोज दो पड़ोसी हैं, महंगाई के मुद्दे पे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी को किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, किसी को किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन अगर वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहेंगे तो क्या होगा, उनके जो सोशल रिलेशन है वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, तो कभी दोनों के बीच में आगे चलकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो न्यू कॉम ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में यही बताया है कि सोशल रिलेशनशिप और सोशल इक्विलिब्रियम किस तरीके से मेंटेन रहता है कम्युनिकेशन की वजह से। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए और भी आगे लाते रहेंगे। ब्रूस वेस्ले और मेलकम मैकलिन ने अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल 1957 में दिया। ठीक है, दिस मॉडल कैन बी सीन टू कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। यानी ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस और मास कम्युनिकेशन प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। एंड द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड
मास कम्युनिकेशन इज द फीडबैक, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस और मास कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक जो मेजर डिफरेंस है वो है फीडबैक पार्ट। कैसे? जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है, डायरेक्ट फीडबैक होता है। क्या सपोज आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो उसको आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा होगा कि आपकी बात उसको पसंद आ रही है या कुछ गलत लग रही है या कुछ सही लग रही है। जो भी आपका फ्रेंड फील कर रहा है वो आपसे डायरेक्टली बोल सकता है कि आप ये चीज सही कह रहे हो, ये चीज गलत कह रहे हो। तो आपको आपको अपने मैसेज के बारे में जो फीडबैक है डायरेक्टली मिलता है, किसमें? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। लेकिन मास कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो फीडबैक है वो इनडायरेक्ट मिलता है और बहुत स्लो होता है। जैसे सपोज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर में डायरेक्ट फीडबैक तो नहीं दे सकते हैं। अगर आप न्यूज चैनल देख रहे हो तो डायरेक्ट फीडबैक तो नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपको फीडबैक देना है तो कैसे दोगे जाके? या तो ट्विटर पर जो उनका अकाउंट है उसको टैग करते हुए आप उस मैसेज उनको भेजोगे, या उनकी वेबसाइट पर जाके उनको फीडबैक दोगे। तो वो फीडबैक जो होगा वो डायरेक्ट तो होगा नहीं, वो होगा इनडायरेक्ट, और ये फीडबैक टाइम लेता है, इसलिए क्या है, स्लो। इन इंटरपर्सनल फीडबैक इज डायरेक्ट एंड फास्ट, इन द मास कम्युनिकेशन द फीडबैक इज इनडायरेक्ट एंड स्लो। This model introduces environmental and cultural factors to the process of communication. ये communication क्या कहता है कि जो communication process है वो सिर्फ sender से start नहीं होता है, ठीक है। Communication को process को start होने के लिए आपके आसपास का जो environmental factors हैं या जो cultural factors हैं वहां से communication start होता है। आगे मॉडल में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो सेंडर है किसी कम्युनिकेशन को स्टार्ट नहीं कर रहा है, बल्कि जो सेंडर के आसपास एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है, वहां से कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। वही कह रहे हैं, द कम्युनिकेशन प्रोसेस डज नॉट स्टार्ट विद द सोर्स और सेंडर बट रैदर विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अभी तक इस मॉडल में आप लोगों को कौन कौन सी चीजें याद रखनी है कि ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया है ब्रूस वेस्ले और मेलकम मैकलिन जूनियर ने, दिया था 1957 में। दिस मॉडल कैन बी सीन टू कॉन्टेक्स्ट, कौन कौन से हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है और मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। इंटरपर्सनल और मास कम्युनिकेशन में जो मेन डिफरेंस क्या है वो फीडबैक का है, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो फीडबैक होता है वो डायरेक्ट और फास्ट होता है, और मास कम्युनिकेशन में जो फीडबैक है वो इनडायरेक्ट और स्लो होता है, ठीक है। उस मॉडल ने कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया है? तो पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स और दूसरा है कल्चरल फैक्टर्स। और क्या कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो सेंडर से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि आपके आसपास के एनवायरमेंट से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है स्टार्ट होता है। वेस्ले और मैकलिन का ये कम्युनिकेशन मॉडल ABX मॉडल का ही एक्सटेंशन है। ए क्या है, ये हमारा सेंडर है, ठीक है। बी क्या है, बी हमारा रिसीवर है, और एक्स क्या है, ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बी एक्स, तो ये ABX मॉडल हो गया, ठीक है। आप लोग एक बार ABX मॉडल को भी देख लीजिए। अब इसमें एक्स क्या है, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप कॉलेज के लिए जा रहे हो तो रास्ते में आप बहुत सारी चीजें देखते हो। आपने एक जगह देखा कि कहीं झगड़ा हो रहा है, ठीक है, दूसरी जगह देखा कि कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तीसरी जगह देखा कहीं बैंक में लाइन लगी हुई है, एक जगह देखा कि कहीं शादी हो रही है। तो आपने अपने आसपास के एनवायरमेंट में चार चीजें देखी हैं कि कहीं झगड़ा हो रहा है, ठीक है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कहीं शादी की तैयारियां चल रही हैं, कहीं बैंक की लाइन लगी हुई है, या भंडारा हो रहा है कहीं, वहां उसकी लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो आपने यहां से ये चार चीजें रिसीव की, किसके थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू, ठीक है। तो क्या कर रहे हो आप, अपने सेंसेस के थ्रू अपने आसपास के एनवायरमेंट से आप क्या ले रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है, अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन। अब क्या करते हो आप, यहां सेंडर थे, ठीक है, ये आपका कोई दोस्त है। जब आप अपने दोस्त से मिलोगे तो आपने अपने आसपास के एनवायरमेंट से चारों चीजें नोटिस की है, तो क्या आप इन चारों के बारे में अपने दोस्त को बताओगे? उसमें से कुछ एक ऐसी चीज होगी जो आपको ज्यादा याद होगी, या
आपके सेंसेस ने उसको ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा, तो आपके सेंसेस में इन चार में से किसके ज्यादा चांसेस हैं, जो एक्सीडेंट वाला जो सिचुएशन हुआ है वो आपकी मेमोरी में स्टे करेगा, ठीक है? तो आप क्या करते हो, अपने दोस्त को एक्सीडेंट के बारे में आप बताते हो। इसमें कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सेंडर से स्टार्ट तो हुआ नहीं है। वैसे यही कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सेंडर से स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है वहां से स्टार्ट होता है, वहां से आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हो, ठीक है? फिर उस इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करते हो, फिर अपने उस मैसेज को रिसीवर तक भेजते हो। समझ में आ गया? ऐसे ही इसे एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि कोई एक रिपोर्टर है, ठीक है, वो फील्ड पे जाता है, उसने यही चारों इंसिडेंट देखे हैं, ठीक है, यही मान लेते हैं कि कहीं झगड़ा हो रहा था, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं भंडारी की लाइन लगी हुई थी, कहीं शादियों की तैयारियां हो रही। तो रिपोर्टर क्या करेगा, ये चारों इंफॉर्मेशन लेके आएगा, ठीक है? रिपोर्टर ने क्या किया, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आया, और ये इंफॉर्मेशन में से उसने क्या किया, जहां शादी की तैयारियां हो रही थी उसको हटा दिया, ठीक है, और उसमें से ये जो तीन इंसिडेंट हैं उसके बारे में उसने पास किया सी को। सी क्या है हमारा? गेट कीपर, ठीक है, मीडिया में गेट कीपर होता है। ये रिपोर्टर अपना रिपोर्ट लेके आते हैं, इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, और वो एक पर्सन को वो रिपोर्ट दे देते हैं, और फिर उसका काम होता है कि कौन सी रिपोर्ट को आगे प्रोसेस किया जाए, कौन सी न्यूज को आगे प्रोसेस किया जाए और किसको नहीं, ठीक है? तो उसने क्या किया, ये जो तीन इंसिडेंट उसने देखे रिपोर्टर ने, वो किसको दे दिए, सी को पास कर दिए। सी क्या है हमारा? गेट कीपर। अब गेट कीपर डिसाइड करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऑडियंस तक या रिसीवर तक जानी चाहिए, ठीक है? उसने क्या किया, उसमें से दो को और फिल्टर आउट कर दिया, और जो एक्सीडेंट वाला जो सिचुएशन है, जो रिपोर्ट है, उसको वो न्यूज़पेपर में प्रिंट करेगा, अगर न्यूज चैनल है तो न्यूज चैनल में वो रिपोर्ट दिखाएगा, ठीक है, और अपने रिसीवर और ऑडियंस तक वो भेज देगा, ठीक है? तो समझ में आ गया यहाँ तक। एक्स क्या है आपका? एनवायरमेंटल फैक्टर आपके आसपास का। ए हमारा सेंडर है, बी हमारा रिसीवर है या ऑडियंस है, सी क्या है हमारा? गेटकीपर है, जो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है? एफ क्या है? फीडबैक। अब फीडबैक समझते हैं, जो रिसीवर है या जो ऑडियंस है वो सेंडर को डायरेक्ट फीडबैक भी दे सकता है, जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में तो डायरेक्ट फीडबैक आप सेंडर को दे सकते हो, लेकिन अगर आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हो न्यूज़पेपर के थ्रू या न्यूज चैनल के थ्रू, उसमें जो फीडबैक होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है? रिसीवर है वो सेंडर को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में डायरेक्ट फीडबैक दे सकता है, और मास कम्युनिकेशन में इनडायरेक्ट फीडबैक दे सकता है। ऐसे ही गेटकीपर भी है कि जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर को भी तो वो फीडबैक दे सकता है कि आप जो इंफॉर्मेशन लेके आए हो इसमें से सिर्फ एक ही सही है, एक ही काम की है, उसी को हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगली बार जो भी रिपोर्ट आप लेके आए, जो भी इंफॉर्मेशन लेके आए, वो ऐसी लेके आए जो वैल्यूएबल हो, ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यू एड, जिसको हम आगे अपने ऑडियंस तक भेज सकें, उनको बता सकें, उनको दिखा सकें। तो गेटकीपर भी अपना सेंडर को फीडबैक दे सकता है, तो आपका फीडबैक हो गया। एक्स वन क्या है? एक्सप्लेन किया था कि जो आपका जो आसपास का एनवायरमेंट है उससे आप अपने सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक्स टू क्या है? एक्स टू है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, किसका? सेंडर का, कि वो चार जो इन्फॉर्मेशन लेके आया है उसको लगा कि उसमें से सिर्फ यही तीन काम किए हैं, तो सेंडर ने अपने बेसिस पर डिसाइड किया कि कौन सी इंफॉर्मेशन सी को या बी को आगे पास ऑन की जाए, ठीक है। एक्स थ्री क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, किसका? रिसीवर का, कि रिसीवर ने अपने बेसिस पर
कि अपने बिलीव, अपने कल्चर और अपने बैकग्राउंड के बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसको रिसीव करनी है या उस और उसका किस तरीके से इंटरप्रिटेशन निकालनी है। ठीक है, तो आप लोगों को इस कम्युनिकेशन मॉडल में यही याद रखना है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सेंडर से स्टार्ट नहीं होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके आसपास के इन्वायरमेंट से। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं और कल्चरल फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट इस कम्युनिकेशन मॉडल में डिस्कस किए हैं वो आप लोग जरूर से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में पहला हम लोग डिस्कस करेंगे बार्लून्स ट्रांजैक्शनल मॉडल को। ठीक है, ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया गया था 1917 में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझाने के लिए। इस ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या है, मल्टी लेयर्ड फीडबैक। ठीक है, मल्टी लेयर फीडबैक कैसे, कि जब इंटरपर्सनल आप कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ तो आप उसकी बातों से भी फीडबैक ले रहे हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से भी फीडबैक ले रहे हैं, उसके हैंड मूवमेंट से भी आप उससे फीडबैक ले रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी फीडबैक ले रहे हैं। तो इस मॉडल में यही बताने की कोशिश की है जो फीडबैक है वो मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, साथ ही इसमें जो सेंडर है और रिसीवर है वो इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजिशंस को। ठीक है, कि कभी सेंडर जो है वो रिसीवर की स्टेज में होता है, ठीक है, कभी रिसीवर सेंडर की स्टेज में होता है, तो ये इंटरचेंज दोनों का चलता रहता है। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करोगे तो कभी आप मैसेज सेंड करते हो, आप सेंडर वाली पोजीशन में हो तो आपका जो फ्रेंड है वो रिसीवर वाली पोजीशन में है, कभी आपका फ्रेंड आपको मैसेज सेंड करता है आप रिसीवर वाली पोजीशन में आ जाते हैं और आपका जो दोस्त है वो सेंडर वाली पोजीशन में आ जाता है। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल में यही बताया गया है कि जो सेंडर और रिसीवर है वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते रहते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन मॉडल सजेस्ट दैट यू आर ए साइमल्टेनियसली अ सेंडर एंड अ रिसीवर। वही कह रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते रहते हैं, कभी आप सेंडर होते हैं कभी आप रिसीवर होते हैं। ट्रांजैक्शनल मॉडल के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट से क्या मतलब है, कि जहां भी आप रहते हैं कि वहां आपकी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, सोसाइटी में कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ अलग रूल रेगुलेशन है, कुछ अलग रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप नेपाल में जाओगे तो वहाँ आपको कुछ अलग रूल रेगुलेशन, अलग वैल्यूज मिलेंगे। पाकिस्तान में जाओगे वहाँ आपको कुछ अलग वैल्यूज और लॉज मिलेंगे। अमेरिका में जाओगे वहाँ आपको कुछ अलग लॉज मिलेंगे। ठीक है, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि जब भी आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो आपके नॉर्म्स, आपके वैल्यूज, आपके लॉज और जो भी सोसाइटी में जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती है। जैसे इंडियन वेडिंग में अलग तरीके के ट्रेडिशन होते हैं, अलग तरीके के कस्टम्स होते हैं, लेकिन जहाँ आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ जो वेडिंग हो रही है वहाँ के अलग रूल रेगुलेशन है, वहाँ अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशन है। तो वो क्या है, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आता है। आप इसको उस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे बहुत सारी फैमिलीज हैं, हर फैमिली की एक अलग वैल्यू है। आप बिहार की किसी फैमिली में जाओगे तो आपको वहाँ अलग वैल्यूज और अलग नॉर्म्स मिलेंगे या ट्रेडिशन मिलेंगे या कस्टम्स मिलेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र की किसी फैमिली में जाओगे वहाँ आपको अलग चीजें मिलेंगी, गुजरात की फैमिली में जाओगे वहाँ आपको अलग चीजें मिलेंगी। क्यों, क्योंकि वो सोशल कॉन्टेक्स्ट धीरे धीरे चेंज होता जाता है। तो जब भी आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, लॉज हैं और सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शन है। सेकेंड क्या है आपका, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से क्या मतलब है, लाइफस्टाइल एंड आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। यानी कल्चर का क्या मतलब है कि वे ऑफ लाइफ, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, आपका खान पान क्या है, आपका पहनावा क्या है, आपकी बोली क्या है, ये सब क्या है, कल्चर का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे कल्चर्स हैं हमारे यहाँ,
इंडिया को, इसलिए ही तो डाइवर्स कंट्री बोला जाता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जिनके रूल अलग हैं, रेगुलेशन अलग हैं, कस्टम्स अलग हैं, ट्रेडिशन अलग हैं, लेकिन फिर भी जो कल्चर हैं एक साथ बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के रहते हैं। जैसे अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो हमारे यहाँ अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग 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 क्लास के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग रेस के लोग हैं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, अलग अलग जेंडर के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो ये सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं। क्या आप जैसे बाहर जाओगे आप इंडिया से तो क्या किसकी बात करते हो, आप इंडियन कल्चर की बात करते हो ना। अगर इंडिया में ही दूसरी स्टेट में जाते हो तो वहाँ किसकी बात करो, आप अपने स्टेट के कल्चर की बात करते हो। यूपी का, यूपी स्टेट का अलग कल्चर है, बिहार स्टेट का अलग कल्चर है, साउथ के जो स्टेट है उनका एक अलग कल्चर है। तो जब आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट डालता है। थर्ड क्या है आपका, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, आपके रिलेशन कम्युनिकेशन करने वाले इस इंसान से कैसे हैं, कि आपका रिलेशन जितना जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उतनी ही अच्छे तरीके से आप अपनी बात को सामने वाले के पास रख पाएंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से वो आपकी बात को समझ पाएगा। तो रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट ये है कि कम्युनिकेशन करते टाइम आपका रिलेशन उस पर्सन के साथ किस तरीके का है, ठीक है। अच्छा रिलेशन होगा तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होने के चांसेस रहेंगे। अगर रिलेशन आपका बहुत खराब है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। तो रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट भी आपका मैटर करता है कम्युनिकेशन में। इसी के साथ इस मॉडल में पब्लिक क्यूज, प्राइवेट क्यू और बिहेवियरल क्यूज की बात हुई, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, क्यूज का क्या मतलब है, संकेत। तो पब्लिक क्यूज का क्या मतलब है कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ तो कुछ पब्लिक नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, या पब्लिक लॉज बोल सकते हो, या कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि जो आपको अपने कम्युनिकेशन में करने हैं और नहीं करने हैं। जैसे आप किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हो, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजों का याद रखना है कि आप कुछ कम्युनिकेशन करते टाइम आप उनका डिसरेस्पेक्ट ना कर दो, ठीक है। और ये पब्लिक क्यूज कहाँ से अफेक्ट होते हैं ये याद रखिएगा आप, ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ के जो पब्लिक क्यूज है कि हर सोसाइटी में कुछ चीजें आप पब्लिकली कर सकते हैं, कुछ चीजें आप पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, ऐसे हर कल्चर में होता है। कुछ चीजें आप पब्लिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ चीजें आप पब्लिकली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ऐसे रिलेशन में होता है। कुछ बिहेवियर पैटर्न आप दिखा सकते हैं, कुछ बिहेवियर पैटर्न आप नहीं दिखा सकते। तो पब्लिक क्यूज का मतलब है कि जो सोशली एक्सेप्ट है, ठीक है, जिससे किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही है, जिससे किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहे हैं। तो कम्युनिकेशन करते टाइम आपको ये सब चीजें याद रखनी चाहिए कि पब्लिक क्यूज क्या है। तो जब आप पब्लिक क्यूज का आप ध्यान रखते हो तो आपका कम्युनिकेशन और मैसेज इफेक्टिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सपोज आप एक ऐसी जगह गए हो जहाँ का सोशल कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, ठीक है, तो वहाँ जो पब्लिक क्यूज होंगे वहाँ के अलग होंगे, तो आपको उनका ध्यान रखना होगा। सपोज आप किसी की फंक्शन में जाते हैं तो कुछ एडिकेट्स होते हैं ना, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता है कि वहां जाके उस तरीके से बिहेव करना है, वरना वो हर्ट हो सकते हैं, वो नाराज हो सकते हैं। पब्लिक क्यूज का मतलब है जो पहले से एस्टेब्लिश जो चीजें हैं सोसाइटी में, वहां से क्यूज लेना और फिर अपने कम्युनिकेशन में उनका ख्याल रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेट क्यूज। प्राइवेट क्यूज क्या है, कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। जैसे दोस्तों का कोई एक ग्रुप है, ठीक है, तो वहां वर्बली वो एक दूसरे से कुछ भी कह सकते हैं या नॉन वर्बली वो एक दूसरे से कुछ भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपका प्राइवेट क्यूज है, ठीक है, वो पब्लिक क्यूज नहीं है। कि जब आप घर में हो अपने दोस्तों के साथ तो आप एक अलग तरीके से बातें करते हो, अलग तरीके से बिहेवियर करते हो, तो ये क्या है, आपका प्राइवेट क्यूज है, ठीक है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन है यहाँ अलग तरीके का होगा, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाओगे लोगों के बीच में तो वहां आपको पब्लिक क्यूज देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है बिहेवियरल क्यूज। इसमें भी सेम है कि बिहेवियरल आपका वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है, कि किस पर्सन का किस तरीके का बिहेवियर है, कि उसका वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर किस तरीके से है।
जैसे आप अगर अपने बिहेवियर को अगर आप चेक करोगे, तो जब आप घर में होते हो तो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, जब आप कॉलेज में होते हो तो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, आप ऑफिस में होते हो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, पब्लिक प्लेस पर रहते हो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, अपने दोस्तों के साथ आपका बिहेवियर कुछ और होता है, लड़कियों के साथ जब आप होते हो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, बच्चों के साथ जब होते हो तो आपका बिहेवियर कुछ और होता है, जब आप बड़ों के साथ होते हो तो आपका बिहेवियर कुछ और होता है। तो यही है बिहेवियरल क्यूज, ठीक है, जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है, एक तो सोशल कॉन्टेक्स्ट की वजह से अफेक्ट होता है, ठीक है, फिर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, फिर रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट है जिनकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या याद रखना है कि ट्रांजैक्शनल मॉडल में तीन क्यूज की बात हुई है, ठीक है, कौन कौन से हैं वो, पब्लिक क्यूज है, प्राइवेट क्यूज है और बिहेवियरल क्यूज, ठीक है। और क्या याद रखना है आप लोगों को कि पहला ट्रांजैक्शनल मॉडल किसने दिया था, बालून्स ने, कि कब दिया था, 1917 में, किसके कॉन्टेक्स्ट में दिया था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के में। ट्रांजैक्शनल मॉडल में फीडबैक किस तरीके से होता है, मल्टी लेयर्ड फीडबैक होता है, ठीक है, और इसमें सेंडर और रिसीवर जो है वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते रहते हैं, कभी सेंडर रिसीवर की पोजीशन में होता है, कभी रिसीवर सेंडर की पोजीशन में होता है, ठीक है, और ये साइमल्टेनियसली आप ये चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये है बालून का ट्रांजैक्शनल मॉडल, जिसमें P1 क्या है, एक कोई पर्सन है, ठीक है, P2 क्या है, कि दूसरा पर्सन है, P1 किसी आइडिया को सोचता है फिर उसको इनकोड करता है और मैसेज P2 के पास भेज देता है, P2 क्या करता है, उस मैसेज को डिकोड करता है, फिर इनकोड करके उसमें कुछ ऐड करता है और वापस P1 को भेज देता है। तो वापस तो P1 इस मैसेज को डिकोड करता है, ठीक है, फिर इनकोड करता है और P2 को वापस ये मैसेज भेज देता है, इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो P1 है, इसका पब्लिक क्यू, उसका प्राइवेट क्यू और पब्लिक क्यू अलग होगा, ठीक है, और जो P2 जो है उसका प्राइवेट क्यू और पब्लिक क्यू अलग अलग होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, सपोज एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है बच्चा उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो उसको एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट मिला है और दूसरे बच्चे को एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट मिला है, यानी जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उसका पब्लिक क्यूज प्राइवेट क्यूज अलग होंगे, ठीक है, और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है उसका पब्लिक क्यूज और प्राइवेट क्यूज अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्लास से ये लोग आते हैं, ठीक है, और अलग अलग क्लास के पब्लिक क्यूज और प्राइवेट क्यूज जो हैं वो डिफर कर जाते हैं, और इन अलग अलग पब्लिक क्यूज और प्राइवेट क्यूज की वजह से ही इन दोनों का बिहेवियर अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि इनको एक अलग एनवायरमेंट मिला है और दूसरे बच्चे को एक अलग एनवायरमेंट मिला है, तो दोनों का बिहेवियरल पैटर्न जो है वो अलग अलग, ठीक है। तो जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से कम्युनिकेट करेगा तो इसमें बहुत सारी चीजें दोनों रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा जो कम्युनिकेट करेगा अपने एनवायरमेंट के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी सराउंडिंग के बारे में, अपने घर के माहौल, अपने आसपास के माहौल के बारे में, तो जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो उसको रिलेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने जो चीज सामने वाला बता रहा है उसने वो कभी एक्सपोज किया ही नहीं है, एक्सपोजर मिला ही नहीं है उसको उस चीज का। ऐसे ही जो कॉन्वेंट स्कूल वाला जो बच्चा है वो अपनी सराउंडिंग के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी चीजों के बारे में जब बताएगा, तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भी एक्सपोजर नहीं मिला है जो एक्सपोजर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को मिला है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मॉडल यही है, जब भी आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं उसमें आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आपके पब्लिक क्यूज, प्राइवेट क्यूज और बिहेवियरल क्यूज वो भी उस कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यही है मल्टी लेयर
फीडबैक कि जब आप बातें कर रहे हो सामने वाले से तो बहुत तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो या बहुत तरीके से आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो। फ्रैंक डांस प्रपोज हिज मॉडल इन 1967। डांस मॉडल वॉज इंस्पायर्ड बाय हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है? स्पाइरल देखा है आप लोगों ने, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। स्पाइरल बाइंडिंग आप लोगों ने कभी कराई होगी तो उसमें इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो कहां से इंस्पायर्ड हुआ है? हेलिक्स, जिसको हम डांस हेलिकल मॉडल कहते हैं, ठीक है। अ हेलिक्स इज अ थ्री डायमेंशनल स्प्रिंग लाइक कर्व। तो ये क्या है? स्प्रिंग के जैसा ही तो है और थ्री डी स्ट्रक्चर। डांस हेलिकल मॉडल बिल्ड्स ऑन सर्कुलर मॉडल्स बाय एक्सप्लेनिंग हाउ वी इम्प्रूव आवर मैसेजेस। डांस का हेलिकल मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? कि हम अपने मैसेज में किस तरीके से टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते हैं बाय यूजिंग फीडबैक। फीडबैक के थ्रू टाइम टू टाइम हम अपने मैसेज को किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, ये हेलिकल मॉडल उस चीज को एक्सप्लेन करने का काम करता है। When we communicate with others, their feedback will influence our next statement. जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो जो भी उसका फीडबैक हमको मिलता है तो उस फीडबैक से हम लोग क्या करते हैं? अपने मैसेज में कुछ इम्प्रूव करते हैं, अपने स्टेटमेंट में कुछ इम्प्रूव करते हैं। तो डांस का जो हेलिकल मॉडल है उसी चीज को एक्सप्लेन करता है। तो इस मॉडल में आप लोगों को अभी तक क्या याद रखना है कि डांस का हेलिकल मॉडल किसने दिया था? फ्रैंक डांस ने, ठीक है। कब दिया था ये? 1967, ठीक है। कहां से इंस्पायर्ड है? हेलिक्स से। और इसको क्या बोलते हैं? डांस मॉडल भी बोलते हैं और डांस हेलिकल मॉडल भी, ठीक है। तो अगर डांस मॉडल आ रहा है या डांस हेलिकल मॉडल आ रहा है, इट मींस इसी मॉडल की बात हो रही है, ठीक है। हेलिक्स क्या होता है? थ्री डायमेंशनल स्ट्रिंग लाइक कर्व, ठीक है। और डांस के हेलिकल मॉडल ने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है? कि हम अपने मैसेज में किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं टाइम टू टाइम, क्या यूज करके? फीडबैक को यूज, ठीक है। तो फ्रैंक डांस ने इस मॉडल के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि हम टाइम टू टाइम किस तरीके से अपने मैसेज में इम्प्रूव करते हैं थ्रू फीडबैक। जैसे इस पॉइंट पर आपको या इस टाइम फ्रेम में, ठीक है, आपको किसी चीज के बारे में कम जानकारी थी या कम इंफॉर्मेशन थी आपके पास, लेकिन टाइम टू टाइम उसी चीज के बारे में आपकी जानकारी लगातार बढ़ती रहती है, इम्प्रूव होती रहती है। दिस इज न्यू मीडिया और सोशल मीडिया आने के बाद फेक न्यूज को फैलाना इजी हो गया और लोग इतने अवेयर नहीं थे, इतने एजुकेटेड नहीं थे, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास। हमारा फोन है, ठीक है, हमारा फोन है, हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है, हमारे पास सोशल मीडिया अवेलेबल है जिसमें फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन फोन को किस तरीके से यूज करना चाहिए, इंटरनेट को किस तरीके से यूज करना चाहिए, सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करना चाहिए, ये हमको किसी ने सिखाया नहीं। हमने टाइम टू टाइम इन सब चीजों को चलाना सीखा है, ठीक है। जब हमारे पास सोशल मीडिया, न्यू मीडिया या इंटरनेट की बहुत कम जानकारी थी, उस फेज में क्या था? जो फेक न्यूज है वो फैलाना बहुत इजी था, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि जो फेसबुक पे आ रहा है, जो व्हाट्सएप पे आ रहा है, जो इंस्टाग्राम पे आ रहा है, वो फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं। लेकिन टाइम टू टाइम हम लोगों ने ये जाना कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फेक न्यूज फैलाना बहुत इजी है। हमको ये भी नहीं पता था कितने तरीके की फेक न्यूज होती हैं। हम लोग व्हाट्सएप पे जो आ गया हम लोगों ने वो मान लिया, फेसबुक पर जो आ गया वो हम लोगों ने इजीली मान लिया कि ये सही होगा। अगर कोई भेज रहा है, कोई मैसेज आपको कर रहा है तो वो सही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी नहीं, हमारे पास जानकारी थी ही नहीं इस पॉइंट पर। लेकिन आप अपने आप को देखोगे तो अभी आपको पता है कि कितने तरीके की फेक न्यूज होती हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये नॉलेज आपकी कैसे इंप्रूव हुई? ये टाइम टू टाइम इंप्रूव हुई है ना। तो फ्रैंक डांस अपने कम्युनिकेशन मॉडल में यही बताने की कोशिश करते हैं कि इनिशियल स्टेज में पार्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में जानकारी कम होती है, लेकिन जैसे ही हम उस मैसेज में फीडबैक के जरिए उसमें थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, टाइम टू टाइम, तो हमारी जो नॉलेज है
वो बढ़ती जाती है। जैसे जब आप सिक्स में थे आपको कुछ चीजों के बारे में कम नॉलेज होगी, जब नाइन्थ में पहुंचे तो थोड़ा सा आपकी नॉलेज और बड़ी होगी, आप ट्वेल्थ में पहुंचे थोड़ा और बड़ी होगी, ठीक है। जब आप कॉलेज पहुंच जाते हो तब वहां, जब आप पीएचडी करने लगते हो तब वहां आपकी नॉलेज और बढ़ जाती है। तो यही है कि जब स्टार्टिंग फेज में जब होते हैं आप, तो उसमें आपकी जो नॉलेज है वो कम होती है, लेकिन फीडबैक के जरिए टाइम टू टाइम वो नॉलेज आपकी बढ़ती जाती है। तो यूजीसी नेट एग्जाम के पर्पज से आप लोगों को क्या चीजें याद रखनी है कि ये मॉडल किसने दिया है, फ्रैंक डांस ने दिया है, कब दिया था, 1967 में, कहां से इंस्पायर्ड है, हेलिक्स से, और इसको क्या बोलते हैं, डांस हेलिकल मॉडल, ठीक है। हेलिक्स क्या है, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रिंग लाइक कर्व होता है, ठीक है। और इस मॉडल के जरिए क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हम अपने मैसेज को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते हैं, किसके जरिए, फीडबैक के जरिए, ठीक है। ठीक है, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। Thank you.